हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों? तबीयत तो ठीक है सबकी? क्या हो रहा आजकल? ठीक से पढ़ाई चल रही है? हाँ जी सर, जो हमने अभी तक आपको कराया सब कुछ ठीक से चल रहा है सर? हाँ जी, अगर आपको नहीं चला तो कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन कर लो आप। पीछे के वीडियो को फास्ट फटाफट रिवीजन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको रिवीजन करने का चलो तरीका ही बता देता हूँ, 5 मिनट फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सर रिवीजन की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चे आज से जो टॉपिक शुरू होने वाला है, ये टॉपिक पिछली क्लास से अब एक स्टेप आगे जाएगा। मतलब इनमें उन बातों को हमने स्टडी करना है जो अभी तक हमने स्टडी किया उसका अल्टीमेट निचोड़ हमने कितने अच्छी तरीके से समझा है। तो अब एक काम कीजिए, रिविजन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, जितने भी हमारी क्लासेज पढ़ी हुई हैं एक बार फटाफट क्या करो उसको चलाना शुरू करो आप। कोई पॉइंट अगर लगता है कि आपका ये पता है जी तो फटाफट उसको आगे बढ़ाओ, लेकिन लगता कि यार ये भूल गया हूँ तो एक बार दोबारा उसको क्या करो, रिवीजन कर लो आप। ठीक है ना, ये रिवीजन आपका होना चाहिए। आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आज हमें शुरू करना आपका। अच्छा, आपको पता ना चैप्टर का नाम क्या है? सर हाँ, चैप्टर तो हमारा फंडामेंटल है। ठीक बोला आपने, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बहुत अंत तक आ चुके बच्चे, अब कुछ समय में ये चैप्टर हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा, हम नए चैप्टर में प्रोसीड कर जाएंगे। लेकिन आज इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर आप टॉपिक आपका है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। आपका पास्ट एडजस्टमेंट, देखो ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता, ये सच्चाई बता रहा हूँ। बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ये कौन सी बड़ी चीज़ आपका है, ये कौन सी चीज़ आप यहाँ पे आ गई। अब इसको पढ़ाने के मेरे पास दो तरीके हैं, आप जो तरीका बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। एक तरीका है जी आपका बुक, आपके बुक में एक रटने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताया हुआ है, आप कहो तो मैं वो करा दूँ आपको। या फिर एक तरीका है जी समझने वाला, जो मैंने खुद बनाया है आपके लिए बच्चे, आप मुझे बताओ रटना है कि समझना है, आप जो बोलोगे करने को तैयार हो। सर हमें रटा भी दो समझा भी दो, तो ठीक है अगर आपका यही कहना तो मैं वही काम करता हूँ, लेकिन फिर मैं पहले आपको समझाऊंगा। समझने वाली बातें थोड़ी देर से होती है बच्चे, थोड़ी लंबी चलती है, तो आप परेशान ना होना, मुझ पर गुस्सा नहीं करना कि सर आपने क्या कर दिया, इतना लंबा क्लास क्यों खींच लिया आपने। आओ एक बार समझते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं जी क्वेश्चन में देखते हैं। आपका हम बुक्स का भी तरीका वो भी सॉल्व करेंगे, एक अच्छा तरीका वो भी सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो काम कर लें आप। ठीक है ना सर? हाँ, तो एक काम करो आप ना लिखो मेरे साथ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। लिखता हूँ सर, बताओ क्या करूँ? तो देखो एक ना मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। सर यहाँ पे क्या होगा, हम बच्चे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। ये पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि पास्ट बाद में एडजस्टमेंट करना, बाद में एडजस्टमेंट यानी कि बाद में सही करना, ये बातें क्यों निकल के आई, क्यों हो रही है बातें बाद में सही करने की, हम आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे आपका। एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आपका यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 कोट कर रहे हैं जी। तो ये लो, मैंने आपके पास पहले क्वेश्चन रिपोर्ट किया, ये कहता है कि दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, कहता है कि इनका जो कैपिटल है, इनका जो कैपिटल है वो कहता है कि इनका 3 लाख का अमाउंट आपका है और इनका कैपिटल कहता है कि 2 लाख का अमाउंट आपका है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, इनका कैपिटल 3 लाख का, उनका 2 लाख का। आगे बताओ सर, कहता है कि इनका जो पार्टनरशिप डिड है, इनका जो पार्टनरशिप डिड है उस डिड में कुछ बता रहा आपको बच्चे, उस डिड में कहता है कि इनके बीच का जो एग्रीमेंट है ना, उस एग्रीमेंट के मुताबिक इनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सर कितना मिलेगा? वो कहता है कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10% मिलेगा जी पर एनम के हिसाब से आपका। सर किसको मिलेगा, एक्स को या वाई को या दोनों को, आप ही बताओ ना। इंटरेस्ट एक को दो कि दोनों को दो? सर दोनों को मिलेगा। फिर क्यों पूछते हो आप, फिर क्यों पूछते हो? और फिर कहता है कि जो इनका प्रॉफिट रेशियो है, इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो रेशियो कहता है इनके बीच का, मान लो यहाँ पे कितना लिखो बताओ जरा। सर चलो मान लो यहाँ रेशियो आपका 1:1 का आपका है। ठीक है, ये है बच्चे क्वेश्चन आपका, जहाँ पे हमने कैपिटल आपको दिखाया और आपको दिखाया एक पार्टनरशिप डीड, जहाँ पे पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट का दिखा रहे आपका अप्रोप्रिएशन कैसे होगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना है आपके साथ एक सोल्यूशन। मैंने क्या किया यहाँ पे रेडी किया जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर, अच्छा एक मिनट अभी एक पार्ट तो रुक गया। मान लो क्वेश्चन में कहता है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया है वो कितना मान लो बताओ जरा। तो चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए का अमाउंट, फर्म ने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है आपका। ठीक है, बोलता है कि जरा बताओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सर ये कौन सी बड़ी बात है,
ये लो मैं बना रहा हूं यहां पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाया मैंने आपके लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना सर। हाँ जी, ये रहा जी हमारे पास प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर मैं कहता कि प्रॉफिट आपका 2 लाख अमाउंट है, यहां लिखा हमने प्रॉफिट, कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो अमाउंट कहता है कि 2 लाख रुपए का अमाउंट है, ये लिखा हमने 2 लाख का प्रॉफिट लिख दिया हमने जी सर। हाँ जी, अब कहता है कि 2 लाख का जो प्रॉफिट है इसको डिवाइड कैसे करना है, तो पार्टनर्स को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है जी, वो जरा बताओ कितना सर, एक्स का इंटरेस्ट आपका एक्स के कैपिटल में जाएगा और जो वाई का इंटरेस्ट हो वाई के कैपिटल में जाएगा। तो नहीं मैंने वो थोड़े पूछा, मैं पूछा जरा बताओ अमाउंट कितना होगा। अच्छा, तो 3 लाख का 10% यानी कि सर 30,000 रुपये का अमाउंट इनका हो गया जी, और 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 का अमाउंट आपका हो गया। तो 30 और 20 मिलकर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 50,000 आपका, ठीक है ना सर। हाँ जी, तो 2 लाख का प्रॉफिट था, 50,000 रुपये आपने इनको इंटरेस्ट के रूप में दे दिया। आप बताओ 50,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में देने के बाद अब आपके पास यहाँ पे जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, आपने कहा टू बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट आपका ट्रांसफर टू। सर ये सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, मैं बताऊंगा ना, लिखो तो पहले यहाँ पे। अब आपने क्या किया जी, जो बैलेंस प्रॉफिट है वो आपने एक्स और वाई के कैपिटल में आपने ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख में 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जरा बताओ कितना बच गया सर, 1.5 लाख का अमाउंट। आप बताओ अगर रेशियो इक्वली होगा तो कितना जाएगा सर, 75 आपका हो जाएगा और 75 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 1.5 लाख का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना सर। हाँ जी, देखो ये तो करेक्टली था बच्चे, अगर एक्स एंड वाई अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते, कुछ ऐसा बनाते, करेक्टली की बात कर रहा हूं, मतलब अगर कोई गलती ना हो तो इस तरीके से बनती। लेकिन मेरे बच्चे पता नहीं क्या हुआ, इन दोनों में कौन समा गया कि ये प्रॉफिट को डिवाइड करते समय पार्टनरशिप डीड को भूल गए। आप मेरी बात समझो, प्रॉफिट को 2 लाख का जो प्रॉफिट था पहले 50,000 रुपये इंटरेस्ट देना था जिनको, और 1.5 लाख का अमाउंट जो है इनके बीच में हम इस तरीके से डिवाइड करने वाले थे ना सर। हाँ जी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं इन लोगों ने क्या किया, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ये रॉन्गली बच्चे गलती से उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा सर बताओ ना कैसा बना दिया आपका, मैं आपको दिखाता हूं बच्चे इन्होंने गलती क्या की। इन्होंने गलती से क्या किया, यहां पे आपका रहा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिख रहा आपको ना सर। हाँ जी, तो बहुत अभी दिख रहा है, अब लिखो। तो ये कहता है कि देखो जी आपने जो प्रॉफिट कमाया है, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट आपका हुआ था, प्रॉफिट कितना हुआ था जी सर, प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख रुपए का आपका जो प्रॉफिट हुआ था ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्या किया, एक गलती कर दी। सर क्या गलती बताओ ना, एक्चुअली कहता है कि प्रॉफिट को डिवाइड करते समय आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ओहो, ये क्या, पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट था कि पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो पैसा पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना उनके प्रॉफिट रेशियो में, यही एग्रीमेंट था ना बच्चे सर। हाँ जी, लेकिन इसने क्या किया, पता नहीं इसने क्यों ऐसा किया, क्या खा पी के आया था कि जब प्रॉफिट को इसने डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो गलती से इंटरेस्ट देना भूल गया बच्चे, इंटरेस्ट देना भूल गया पार्टनरशिप में, वो भूल गया कि भैया इंटरेस्ट भी देना था, और उसने क्या किया पूरे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट को आपस में क्या किया, डिवाइड कर लिया प्रॉफिट रेशियो में। उसने पूरे 2 लाख का प्रॉफिट जो था वो कहता कि टू आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर टू, उसने डिवाइड कर लिया आपका यानी कि एक्सेज कैपिटल अकाउंट में और वाइज कैपिटल अकाउंट में। आपने क्या किया जी, पूरा का पूरा प्रॉफिट यानी कि जो पूरे 2 लाख रुपए का अमाउंट था आपने प्रॉफिट रेशियो यानी कि इक्वली डिवाइड कर लिया, इक्वली आपका। तो एक्स के हिस्से में कितना चला गया बच्चों सर, 1 लाख, वाई के हिस्से में कितना चला गया आपका, 1 लाख, और इस तरीके से क्या हुआ प्रॉफिट का यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया, डिवाइड कर दिया आपने। आप मुझे बताओ कुछ गलती हुई कि नहीं हुई, सर हुई गलती, सर गलती हुई। जब हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था तो 50,000 रुपये में से एक्स को 30 और वाई को 20,000 रुपये देना था, आप इंटरेस्ट देना ही भूल गए यार। तो अगर आपने इंटरेस्ट देना भूल गए तो आपने क्या किया, जहां पे 1.5 लाख रुपए ही उनके रेशियो में डिवाइड होना था वहां पे पूरे 2 लाख रुपए को आपने क्या किया, उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया, यही गलती हुई ना बच्चे।
सर हाँ गलती तो यही हुई, 2 लाख रुपए में 50,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा था और 1.5 लाख रुपए एज प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन आपने क्या किया, पूरे 2 लाख रुपए में से आपने क्या किया, आपने 1 लाख इनको और 1 लाख इनको दे दिया। अब कहता कि ये जो गलती हो गई आप उसको सुधार दो, वो कहता है कि आप उसको सुधार दो, तो कहता है कि आप इसको क्या करो जी पास, ये कहता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, ये कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री करो। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब हो गया बच्चे कि आपने जो गलती कर दी आप उसको सुधारो, लेकिन सुधारते समय आपको काटना नहीं है, आपको रब नहीं करना। बोलता कि जो एंट्री हो गया ठीक है, आप उस गलती को सुधार दो। कैसे सुधारोगे, ये तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई, अब हम कैसे गलती सुधारें। तो आइए मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन को दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा, ये गलती कैसे सुधारी जाएगी। आइए मैं आपको दिखाऊं गलती कैसे सुधारी जाएगी। पहले मुझे बताओ, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा ये पार्ट मिटा दूं बच्चे, या ये काफ़ी है जगह? सर ये काफ़ी है, दिख तो रहा है, आप एक काम करो थोड़ा छोटा कर लो वो ठीक रहेगा। तो ठीक है मैं काम करता हूँ, ये जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है ना इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि जगह मुझे मिल जाए। आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना बच्चे, जगह कम पड़ रहा है और मुझे बहुत सारी बातें आपको समझानी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये आपका नेट प्रॉफिट जो था यहाँ पे अमाउंट कितना था जी? सर 2 लाख रुपए का अमाउंट था आपका। तो ठीक है, और जरा बताओ यहाँ पे मैं इसको और छोटा कर दूँ, यहाँ पे भी जगह मुझे मिल जाए। आपने जो रॉन्गली कर दिया था, यानी कि आपने क्या किया जी, जो नेट प्रॉफिट आपका था, ये प्रॉफिट आपने क्या किया जी, 2 लाख का अमाउंट उसके बीच में आप डिवाइड कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। ठीक है ना सर? हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये लो मैंने इसको मिटा दिया, अब मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहता हूँ बच्चे, मतलब जो गलती हुआ उसको सुधारना चाहता हूँ। आओ देखते हैं कैसे गलती सुधारा जाएगा। लिखे मेरे साथ यहाँ पे, ये हमारा एक काम हुआ जी, जो आपका करेक्टली होना था जो रॉन्गली हो गया। अब लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट, अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। आपने जो एडजस्टमेंट एंट्री करना है, उस एडजस्टमेंट एंट्री आखिर हमें कितने से करना, हम उस बात को यहाँ पे पता करते हैं। ये लो हमने नाम लिखा, एक तो आपका एक्स का जी, दूसरा नाम लिखा हमने वाई का, दो नाम आपके है ना बच्चे? सर हाँ। आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट सही तरीके से डिवाइड होता तो इनको कितना कितना मिलता? तो सर ये देखो ना, करेक्टली लिखा हमने बच्चे, करेक्टली जो 2 लाख रुपए का अमाउंट था, अगर ये 2 लाख रुपए का अमाउंट आप एक्स एंड वाई में डिवाइड करते हैं करेक्टली, तो पहले एक्स एंड वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता ना बच्चों? सर हाँ मिलता। आप बताओ ना कितना? सर एक्स को 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता जी, एक्स को इंटरेस्ट मिलता आपका 30,000 का, और वाई को इंटरेस्ट मिलता आपका यहाँ पे 20,000 का, ये मिलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ रही है सर? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, आपने 50,000 रुपये में 30 दिया इनको, 20 इनको दिया, बाकी 1.5 लाख रुपये इनमें डिवाइड होता इतना इतना जी, तो और फिर क्या मिलता जी? इनको मिलता शेयर इन प्रॉफिट, इनको मिलता शेयर इन प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कितना मिलता आपको? मिलता 75 और आपको मिलता यहाँ पे 75। ठीक है, तो जरा बताओ कि अगर सही तरीके से प्रॉफिट डिवाइड होता तो 2 लाख रुपये में से एक्स को कितना मिलता? सर एक्स को टोटल अमाउंट मिलता 1,05,000 रुपये आपका। अच्छा और जरा बताओ वाई को कितना मिलता? सर वाई को मिलता 95,000। अगर प्रॉफिट सही तरीके से डिवाइड हुआ रहता तो एज इंटरेस्ट इतना इतना मिलता जी, और आपका 1.5 लाख रुपए में 75 आपको मिलता और 75 आपको मिलता, तो टोटल आपको इतना इतना मिलता। लेकिन देखो ना रॉन्गली क्या हो गया, आप बताओ क्या हो गया गलती से, आप बोलो क्या हो गया गलती से। मैं आपको समझाता हूँ गलती से क्या हो गया। उस बदमाश ने इस 2 लाख को डिवाइड करते समय इसने आपस में क्या किया, 1 लाख 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट दिया ही नहीं। मैं वजन दे रहा हूं बच्चे, इंटरेस्ट नहीं दिया। तो इंटरेस्ट अगर नहीं दिया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हुआ, रेशियो में डिवाइड हो गया। आपको पता है ना सब कुछ देने के बाद जो बचता पैसा वो रेशियो में डिवाइड होता है, तो अगर हमने कुछ नहीं दिया तो सारा प्रॉफिट क्या हुआ, रेशियो में डिवाइड हो गया। यानी कि रॉन्गली आपने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, आपने क्या किया पूरा का पूरा अमाउंट इनके बीच में प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया। जरा बताओ कितना? तो सर एक्स को 1 लाख दे दिया, ये लो एक्स को हमने 1 लाख रुपए दे दिया, और वाई को भी हमने कितना दे दिया आपका, 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका यहाँ पे, एक्स को भी 1 लाख वाई को भी 1 लाख। बात समझ में आ रही है सर? हाँ समझ में आ रही है। आगे बढ़ो आप सर आगे बढ़ो। तो सुनो मेरी बात, आप चिल्लाओगे तो मैं भी चिल्लाऊंगा। ये देखो आप यहाँ पे, आप यहाँ देखो,
जरा मुझे बताओ कि आपने अगर सही तरीके से प्रॉफिट डिवाइड करते, अगर प्रॉफिट आपका सही तरीके से डिवाइड होता तो मुझे जरा बताओ कि एक्स को टोटल अमाउंट कितना मिलता। जरा बताओ, प्रॉफिट अगर सही तरीके से डिवाइड होता तो एक्स को टोटल अमाउंट कितना मिलता? सर 1,05,000 रुपये मिलता ना बच्चे? सर हाँ, 30,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता और 75 का प्रॉफिट यानी कि 1,05,000 रुपये मिलता 1,05,000 रुपये। लेकिन आप बताइए कि जो गलती से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्या एक्स को 1,05,000 रुपये मिला बच्चे? 1,05,000 मिला? नहीं सर, नहीं मिला। आप देखो, गलती से जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें एक्स को आपने कितना दे दिया? 1,00,000 रुपये। उनको मिलना कितना था? सर 1,05,000 रुपये। मिला कितना? सर 1,00,000। आप मुझे बताओ ना कि 1,05,000 रुपये मिलना था और उनको 1,00,000 ही मिला गलती से जी आपका, तो मुझे बताओ जरा, एक्स आपका इस चीज को जानने के बाद वो दुखी है कि खुश है? आप बताओ, वो दुखी है बच्चे कि खुश है? सर वो तो दुखी होगा। अरे जहां उनको 1,05,000 रुपये मिलना था, वो गलती से आपने सिर्फ 1,00,000 ही दिया है, तो मेरे बच्चे उनको 5,000 रुपये कम दिया ना आपने। अरे 5,000 रुपये कम दिया ना, 1,05,000 के जगह पे आपने 1,00,000 ही दिया, तो 5,000 कम दिया ना आपने। सर हाँ, हमने तो 5,000 रुपये कम दिया। आप बताओ, आप ऐसा क्या करोगे कि एक फिर से खुश हो जाए जी आपका? तो सर कोई बड़ी बात नहीं यार, 1,05,000 रुपये इनको मिलना था, मिला सिर्फ 1,00,000 रुपये, तो 5,000 रुपये और दे दो। अगर 5,000 रुपये और दे दूंगा तो खुश हो जाएगा बेचारा। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे 5,000 रुपये इनको और हमें देना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात बनेगी। 1,00,000 तो दे चुका हूँ, गलती से जो डिवाइड हुआ था वो 1,00,000 रुपये दे चुका हूँ जी, जबकि 1,05,000 रुपये देना था, तो 5,000 रुपये और दे दो, काम बन जाएगा आपका। तो बेचारा दुखी था क्योंकि कम मिला था गलती से, उसको हमने खुश कर दिया आपका। लेकिन जरा बताओ, पहले से ही कौन मुस्कुरा रहा है? वाई, बदमाश है ये बदमाश है बच्चे। आप देखो, वाई को अगर करेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता तो कितना मिलता? 95,000 रुपये। अगर वाई को आप सही तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना मिलता? 95,000 रुपये। लेकिन 95 के जगह पे जरा चेक करो, ये ऑलरेडी कितना ले चुका है? 1,00,000 रुपये। अरे जहां पे इनको 95 मिलना था वो 1,00,000 रुपये ले चुके हैं। ये देखिए आप, इनको 1,00,000 अमाउंट मिल चुका है बच्चे आपका, 1,00,000 का। तो आप मुझे बताओ कि वाई को 95,000 ही मिलना था, लेकिन आप उसको 1,00,000 दे चुके हो गलती से, तो जरा बताओ क्या करोगे उस गलती को सुधारने के लिए? सर उनको 95,000 रुपये मिलना था, 1,00,000 हमने दे दिया, तो 5,000 रुपये हम ले लेंगे, 5,000 रुपये ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो आप एक काम करो, वाई से क्या करना, 5,000 रुपये आप इनके अकाउंट से माइनस कर लेना। बोलना भैया आपको ज्यादा मिल गया है, आपको आपको 1,00,000 मिल गया है, जबकि मिलना कितना था? 95,000। तो 5,000 रुपये जो आपके अकाउंट में ज्यादा जा चुका, वो पैसे मुझे वापस कर दो। तो हमारा काम क्या होगा जी, वाई से 5 ले लूंगा और वो 5 किसको दे दूंगा मैं जी? एक्स को। आपका काम पूरा आपका हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक बोला सर आपने, ठीक बोला मेरे बच्चे। इसी काम का आपको यहाँ पे पास करना है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है बिना कटिंग बिना रविंग किए बगैर आपको गलती को सुधार देना है। तो देखो ना, आप वाई के अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल रहे हो। मुझे बताओ, अगर वाई के अकाउंट से 5,000 रुपये निकालूंगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। और हमने कहा है बच्चे कि जब कैपिटल कम होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं। तो आप यहां क्या करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना आपका हो गया? 5,000 रुपये। और देखो ना, ये 5,000 रुपये क्या करेंगे जी, एक्स को हमें देना है बच्चे, तो एक्स के अकाउंट में हमें ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल है, जब बढ़ाऊंगा तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। तो आप क्या करना, ये 5,000 रुपये वाई के अकाउंट से निकाल कर एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाके आप ऐड कर देना, 5,000 रुपये का अमाउंट। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। यही कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ी बात थोड़ी कराई मैंने। मैंने कहा कि यार 2,00,000 रुपये में 50,000 रुपये आपको मिला था एज इंटरेस्ट और 1,50,000 रुपये मिला था प्रॉफिट के रूप में आपका। यानी कि आप जरा देखो कि एक्स को टोटल अमाउंट कितना मिलना था, 30 ये और 75 ये, यानी कि 1,05,000 रुपये। वाई को कितना मिलना था जी, 20 ये और 75 ये, यानी कि 95,000 रुपये, 95,000। इतना इतना मिलना था, लेकिन रॉन्गली आपने क्या किया, पूरे 2,00,000 रुपये को आपने 1,00,000-1,00,000 करके यानी कि इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या निकल के आ रहा है, हमें दिखाई दिया कि यार एक्स को 1,05,000 रुपये करेक्टली मिलना था, लेकिन आपने सिर्फ उसको 1,00,000 ही दिया। तो सोचो, 1,05,000 की जगह पे अगर मैं 1,00,000 दूंगा तो 5,000 रुपये क्या होगा जी,
इनको और देना पड़ेगा। अरे 1,05,000 देना था, 1,00,000 दिया तो 5,000 रुपये और देना पड़ेगा, और वो 5,000 रुपये मुझे क्या करना होगा, जो इनसे लेना होगा उसी के हमने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर दी, ये हमारा काम पूरा हो गया। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कि पास्ट बाद में एडजस्टमेंट करना, बाद में, यानी कि इस पास्ट का मतलब क्या हो गया बच्चे, बाद में एडजस्टमेंट करना। ये लो मैंने लिख दिया बाद में। बाद में का मतलब क्या हो गया जी, कि एक बार गलती हो चुकी है, उस गलती को सुधारने के लिए एक एडजस्टमेंट करना है, जिससे जिसको ज्यादा मिल गया उससे ले लो, जिसको कम मिला उसको दे दो आपका। सर ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आप बताओ और क्या कहना चाहते हो। पता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहता हूं, आप दिमाग को शांत कर लो, दिमाग शांत कर लो। मैंने आपको क्या समझाया एक बार देख लो, आपका कोई बड़ी बात नहीं समझाया, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा सा पत्थर उठाया मैंने आपको ऊपर फेंक दिया। मैं तो फूल फेंक रहा हूं बच्चे, पत्थर तो अभी फेंकना बाकी है, मैं छोटे छोटे फूल फेंक रहा हूं। आप उस फूल को पहले पकड़ो, समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका। अच्छा सर बताओ आप क्या बोलना चाहते हो। देखो ये तरीका जो हमने किया बड़ा सही था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसका भी एक शॉर्टकट तरीका निकालना चाहता हूं, एक शॉर्टकट तरीका। अगर आप मेरे साथ एग्री करोगे तो हाथ रेज कर देना बस, कि हाँ सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर आपने हाथ रेज नहीं किया बच्चे तो मुझे दिख जाएगा, इसका मतलब कि आपने क्या किया, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। तो समझ में आए तो एक बार मेरे खातिर हाथ रेज कर देना और मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे समझ में आ गया, सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक बार नजर मैं यहां पे डालूं, एक बार नजर यहां पे, और इसी का मैं एक शॉर्टकट तरीका निकालना चाहता हूं जो आपको समझाऊंगा मैं आपको, वो क्या है जरा देखो। देखो 2,00,000 रुपए में 50,000 का जो अमाउंट था, 50,000 रुपए, वो इनके बीच में 30 और 20 जाना था। 50 अगर हम इंटरेस्ट के रूप में देते तो 100 कितना मिलता, 30, और वाई को कितना मिलता, 20। 1,50,000 रुपए का जो अमाउंट है, ये 1,50,000 रुपए वो एक्स एंड वाई में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड होना था। इस बात को मानते हैं अपना सर? हाँ हम मानते हैं। 2,00,000 में 50,000 रुपए इंटरेस्ट दीजिए, और जो 1,50,000 रुपए का अमाउंट है जी, वो अमाउंट इनके बीच में आपने क्या करना था, इनके रेशियो में डिवाइड करना था। जरा एक बार चेक करो आपने क्या किया, पूरे 2,00,000 रुपए को, पूरे 2,00,000 रुपए को आपने क्या किया, उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया, रेशियो में डिवाइड कर दिया। एक बात बताओ यहां देख के कि जरा बताओ रेशियो में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना था, जरा इसको देख के बताइए। जो आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो में कितना अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, सर 1,50,000 रुपए, 1,50,000 ही ना बच्चे, सर हाँ। लेकिन जरा बताओ जो रॉन्गली कर दिया आपने, प्रॉफिट रेशियो में कितना डिवाइड कर दिया, सर 2,00,000 रुपए। तो मैं कह रहा हूं कि यार आप एक बात बताओ, ये 2,00,000 रुपया में जो 1,50,000 रुपए है, 1,50,000, ये 1,50,000 की बात कर रहा हूं, वो तो आपका प्रॉफिट रेशियो में ही जाना था। 2,00,000 रुपए में जो 1,50,000 रुपए का अमाउंट है, वो 1,50,000 तो हम उनको प्रॉफिट रेशियो में ही डिवाइड करते। सिर्फ गलती यहां पे मेरे बच्चे 50,000 रुपए की है, सिर्फ गलती 50,000 की है। जो 50,000 रुपए हमें 30-20 आपको देना था, वो 30-20 अगर नहीं दिया तो वो भी क्या हुआ जी, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड आपका हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? सर पूरी बात नहीं समझ में आई, दोबारा समझ लो, कौन सी बड़ी बात है। अरे हमने कहा कि 2 में से 50,000 रुपए आप इंटरेस्ट के रूप में देते और 1,50,000 रुपए ही प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करते। आपने अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो पूरे 2,00,000 रुपए आपने क्या किया, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया 2,00,000 रुपए। आप जरा बताओ कितना डिवाइड करना चाहिए था रेशियो में, सर 1,50,000। आपने कितना कर दिया, 2,00,000। कितना ज्यादा कर दिया, 50,000 रुपए। कौन सा 50,000 रुपए जो हमें एज इंटरेस्ट इनको देना था, एज इंटरेस्ट आपका। अच्छा अच्छा एक मिनट, थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा स्लो। क्या मतलब निकल के आ रहा है जी, क्या मतलब निकल के आ रहा है? मतलब अगर जो 50,000 रुपए हमें एज इंटरेस्ट देना था, अगर मैंने वो इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो 50,000 रुपए भी उनके प्रॉफिट में ऐड हो गया और वो 50,000 प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो गया। तो मेरे बच्चे गलती तो सिर्फ 50,000 की है, आप गलती यहां पे 2,00,000 ही ना कहो। 2,00,000 में 1,50,000 रुपए तो रेशियो में डिवाइड होना ही था। सिर्फ वो 50,000 रुपए जो एज इंटरेस्ट इनको मिलना था, वो 50,000 रुपए भी क्या हुआ जी, एज प्रॉफिट इनके बीच में डिवाइड हो गया है। सिर्फ गलती इतने की है। सर कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, इसको एक और भी तरीके से कर सकता था, मैं इसको मिटाता हूं बच्चे। आप इसकी कॉपी कर चुके हैं,
इसकी कॉपी कर चुके हैं बच्चे? सर हाँ हम कर चुके हैं। लो फिर मैं इसको मिटाता हूं, और मैं यही जो वर्किंग किया इसी वर्किंग का एक आपको दिखा रहा हूं शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट आपका मेथड, मेथड और याद रखना यही है टू बी फॉलोड इन एग्जाम। आप क्या करोगे, समय थोड़ी बर्बाद करना है एग्जाम में, हमें यही काम करेंगे, यही काम। वो कौन सा काम है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए लिखा हमने फिर से नाम यहाँ पे जी, एक तो एक्स का दूसरा आपका वाई का, ठीक है बच्चे? सर हाँ, मुझे बताओ जो गलती हुआ वो क्या हुआ? सर गलती ऐसा दिख रहा है कि जो करेक्टली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, करेक्टली हमें क्या देना था बच्चे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बताओ करेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 30 यहाँ 20 यहाँ, यानी कि 30,000 जो आपका अमाउंट है वो इनको मिलना था करेक्टली, सॉरी, और 20,000 का अमाउंट इनको मिलना था करेक्टली आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आपका। तो 30 और 20 मिलकर कितना हो गया? 50,000 रुपये का अमाउंट आपका। ये 50,000 रुपये अगर हमने पार्टनर्स के बीच में एज इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ये 50,000 भी उनके प्रॉफिट के रूप में उनके बीच में डिवाइड हो गया होगा। ऊपर में जो भी कुछ गलती होगा बच्चे उसका इंपैक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट के अंदर में। अगर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रॉफिट के रूप में वो पैसा डिवाइड हो गया होगा, क्योंकि लास्ट में प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं आप, पता ही बात ना सर? हाँ जी। तो आपको ये 50,000 रुपये क्या हुआ जी? रॉन्गली आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो आपका। कहता है कि आपने क्या किया, इसको प्रॉफिट रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो चला मुझे बताओ ना, 50,000 का अमाउंट है, अगर रॉन्गली आपने प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया तो आपने कितना कितना दे दिया? तो सर वो रेशियो तो इक्वली था आपका। तो अगर ये 50,000 रुपये प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो गया है तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया, यानी कि 25 इनको और 25 आपका इनको, ये निकल के आया बच्चे। ये 50,000 रुपये जो आपको हमें इनके बीच में 30-20 देना था, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ना देने से प्रॉफिट हमारा जो डिवाइड होगा वो बढ़ गया बच्चे, और वो प्रॉफिट क्या हुआ जी? इनके बीच में इक्वली जो रेशियो उसमें डिवाइड आपका हो गया, काम खत्म हो गया। अब देखो ना, इनको 30,000 रुपये मिलना था, मिला कितना? सर 25,000 रुपये। देख रहे हो करेक्टली 30,000 मिलना था, लेकिन आपने इनको 25,000 ही दिया। तो बताओ जिनको 30 मिलना था आपने उनको 25,000 रुपये दिया, तो बताओ कितना कम दिया आपने? सर 5। तो आपको इनको 5,000 रुपये और इनको क्या करना होगा? देना होगा बच्चे, ये देना होगा। अब यहां देखो, वाई को 20 ही मिलना था, 20 मिलना था, लेकिन आपने इनको 25 दे दिया। तो चला बताओ जिनको 20 मिलना था अगर हमने उनको 25 दे दिया तो कितना कम दे दिया जी आपका? सर कम नहीं, ज्यादा दे दिया आपने। सर ज्यादा दे दिया, 20 मिलना था 25 मिल गया आपको, तो 5,000 रुपये ज्यादा मिल गया। तो आप एक काम करो, 5,000 रुपये क्या करो, आप इनसे वापस ले लो, इनसे वापस ले लो, तो खत्म होगी बात। हमें इसी की तो एंट्री पास करना है, वही एंट्री फिर से आ गया जी। आप देखो वाई के अकाउंट से हटाने हैं, तो आपने क्या किया, वाई के कैपिटल अकाउंट को कम किया, वाई कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया 5,000 रुपये से आपने, और ये क्या करेंगे जी, 2X कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे जाके इसको ऐड कर देंगे, 5,000 रुपये का अमाउंट आपका। बात खत्म हो गई, वही एंट्री आ गया जो यहाँ पे आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करोगे। ये जो 1.5 लाख रुपये का जो प्रॉफिट है वो तो ठीक डिवाइड हुआ ही है। आपने जो 2 लाख रुपये प्रॉफिट के रूप में डिवाइड किया उसमें 1.5 लाख तो ठीक है, जो गलती है वही तो सुधारूंगा। तो जो 50,000 रुपये हमें इतना इनको देना था उसको हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे देना था उस तरीके से काम किया, काम हमारा पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, अब बात समझ में आ रही है कि आप सिर्फ इतना कहना चाहते हो कि मिस्टेक कितने से वो अमाउंट पता कर लो, वो मिस्टेक सही तरीके से कैसे मिलना था वो करो, और आपस में एंट्री पूरा कंप्लीट कर लो आपका, ठीक है जी। सर हाँ, मुझे बताओ सर एग्जाम में ये करूँ कि ये करूँ? आपकी मर्जी, कोई भी कर लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सोचो ना, आप समझदार बच्चे हो, ये क्यों करो यार इतना लंबा काम आपका, जब पता है कि गलती सिर्फ 50,000 की हुई है, 50 जो ऐसे मिलना था ऐसे मिलेगा, हम उसको सुधारेंगे आपका, पूरे को क्यों सुधारेंगे? सर ठीक है, आप सही बोल लो। लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, अब मैं इसको मिटाऊंगा, एक क्वेश्चन और रेडी करूंगा, कौन से बिल्डिंग के अंदर में, लिख लिया आप लोगों ने? ये हो गया बच्चे? सर हाँ हो गया हमारा। तो ये लोग कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन आपका 1 था, अब मैं आपको कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। नंबर 2 पे आपको मेरे साथ चलना है, आप जरा एक बार देखो, फिर मैं आपके बुक्स के क्वेश्चन में आऊंगा, और फिर आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सी बातें हो गई, ये तो हमें आता है। ये लीजिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि ऑन 1 जनवरी, लिखिए मेरे साथ,
2016 x and y have their respective capital of rupees 4 lakhs and rupees 2 lakhs respectively full stop. Kehta ki while distributing profit partners omitted yani ki bhul jana to provide interest on capital at the rate of aapka kehta hai ki 10% per annum full stop. Bolta ki as per did yani ki partnership did kehta ki profit ratio was 3:2. ठीक है जी आपका ये कहता है कि भैया रेशियो इनके बीच का 3:2 का आपका है. बोलता है कि मेक एडजस्टमेंट एंट्री आपका मेक यहां पे कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री बोलता बताओ एडजस्टमेंट एंट्री क्या निकल के आ पाएगा. ये क्वेश्चन निकल के आ गया. चलो जी मैं इस क्वेश्चन को भी आपको दोनों तरीके से बताऊंगा आपका शॉर्टकट और लंबा पूरा. लेकिन इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे हम अपने बिल्कुल शॉर्टकट मतलब मेन तरीके पे आ जाएंगे क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन समझना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इसको दोबारा करा रहा हूं उसी तरीके से. ये देखिए आप मुझे बताओ कि अगर यहां पे करेक्टली आप बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप करेक्टली बनाते तो फिर आपका क्या निकल के आता जी यहां पे. ये देखो जरा यहां पे मैं थोड़ा छोटा करूंगा जगह फिर से कम ना पड़ जाए हमारे लिए फिर दिक्कत हो जाएगी. तो मैं एक काम करता हूं ये लीजिए आपका मैंने कहा जी कि अगर ये करेक्टली आप बनाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा छोटे छोटे लिख रहा हूं बच्चे ताकि जगह हमें मिल जाए. तो देखो आप कैसे बनाते हैं यहां पे ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप क्या करते हैं बच्चों तो सर हम लोग क्या करते हैं बाय नेट प्रॉफिट आपने क्या किया जो प्रॉफिट निकल के आया सर प्रॉफिट कितना है. देखो क्वेश्चन में बोलता है मान लो यहां पे आपका नेट प्रॉफिट लिखे यहां पे नेट प्रॉफिट आपका ड्यूरिंग द ईयर वो मान लो कहता है रुपीज 3 लाख का अमाउंट आपका है 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका कहता है कि जो प्रॉफिट आपका वो 3 लाख अमाउंट है. ये लिखा हमने यहां पे 3 लाख रुपए का अमाउंट तो कहता है कि जो प्रॉफिट हमारा वो 3 लाख रुपए का अमाउंट है. ये 3 लाख का प्रॉफिट कहता है कि हमें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है. आप ध्यान दो एग्रीमेंट क्या बता रहा है कि आपने यहां पे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% आपका. मैं बात कर रहा हूं करेक्टली बच्चे करेक्टली अगर ये सही तरीके से होता तो मैं क्या करता तो मैंने यहां बोला कि देखो जी पार्टनर्स को मिलता पहले यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आप समझे मेरी बात सर. हां जी आप करो सर करो आप. तो देखो आप क्या करते हैं एक्सेज कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में आप यहां पर इंटरेस्ट एड करते हैं. आप बताओ यहां पे 4 लाख रुपए का 10% कितना होता है सर 40,000 का इंटरेस्ट होता है. अच्छा वाई का कैपिटल कहता है कि 2 लाख का आप बताओ 2 लाख का 10% कितना होता है जी सर 20,000 का अमाउंट होता है. तो 40 और 20 मिलके कितना आपका हो गया 60,000 रुपए का अमाउंट. ये लीजिए मैं यहां पे थोड़ा बीच में डिफरेंस लेकर आ जाऊं जी ये हमारा आपका बंदा अकाउंट आपका. तो 3 लाख रुपए में 60,000 आपको एज इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना था बच्चे. फिर आप कहते हैं यहां पर टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू आप कहते हैं कि बैलेंस प्रॉफिट जो आपका है जी वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि एक्सेज कैपिटल अकाउंट में और फिर आपका वाइज कैपिटल अकाउंट में. आप बताओ ना 3 लाख में 60 गया तो कितना बच गया यहाँ पे सर 2,40,000 रुपये आपका 240. मुझे बताओ रेशियो क्या है सर 3:2. तो चला बताइए कि 2,40,000 रुपये को अगर हम 3:2 यानी कि 5 से डिवाइड करें इंटू आपका 3 ये कितना आ गया 1,44,000. ठीक है डिवाइड बाई 3 × 2 ये कितना निकल के आ गया 96,000 का अमाउंट आपका 96,000. ये खत्म हो गई बात बच्चे ये बात खत्म हो गई.
यानी कि जो 3 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट को अगर हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 60,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता और 2,40,000 आप क्या करते हैं उनके बीच में ऐसे डिवाइड करते करते ना बच्चे, याद रखना यहां पर आपको जोड़ देना है, सिर्फ 3 लाख रुपए में आप 60,000 एज इंटरेस्ट उनको देते और 2,40,000 रुपए तो प्रॉफिट रेशियो में ही डिवाइड करना था। अगर मैं करेक्टली करता तो भी 2,40 को प्रॉफिट रेशियो में ही डिवाइड करता, लेकिन मेरे बच्चे ये लो हमने दिखाया आपको रॉन्गली जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, यानी कि जो गलत तरीके से बन गया, गलत तरीके से, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, क्यों भूल गए पार्टनर्स, क्यों भूल गए, इंसान ही तो है बच्चे, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, इंसान भूल गया क्या चला जाएगा, हर एक आदमी इंसान है, भूलते हैं लोग, आपका आप भी भूलोगे, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पे। ये लो आपका आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अमाउंट कितना बता रहा जी? सर 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 3 लाख का अमाउंट। मुझे बताओ, कहता है कि आपका ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहता है कि पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट देना भूल गए। अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट देना भूल गए तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, और अगर इंटरेस्ट नहीं दिया गया तो जितना भी प्रॉफिट है सारा का सारा प्रॉफिट आपने पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा आपने, ये बात समझे आप, डिवाइड हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर में कुछ नहीं दिया तो जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, जितना प्रॉफिट बचता है, वो सबका रेशियो में डिवाइड होता है। तो आपने क्या किया होगा जी, पूरे 3 लाख रुपए लिखा होगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आपने ट्रांसफर कर दिया होगा जी पार्टनर्स को, यानी कि एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में, और रेशियो क्या बता रहा है इस बार 3:2। तो चलो बताओ कितना निकल के आ जाएगा, सर 3:2 यानी कि यहाँ पे 1,80,000 रुपये का अमाउंट हो गया और यहाँ पे आपका 1,20,000 रुपये का अमाउंट हो गया। तो चलो बताओ टोटल कितना बन गया, सर 3 लाख रुपये का अमाउंट आपका, ये हमारा यहाँ पे आके टैली कर गया आपका। अब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कि इनको देख कर के आप जरा बताओ कितने अमाउंट की गलती हुई है। 3 लाख रुपए में 60,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलना था और 2,40 तो उनके प्रॉफिट रेशियो में ही मिलना था बच्चे, ये इनका प्रॉफिट रेशियो में ही अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। हमने क्या किया, पूरे 3 लाख रुपए हमने क्या किया, प्रॉफिट रेशियो में ही डिवाइड कर दिया, पूरा पैसा डिवाइड किया प्रॉफिट रेशियो में। तो जरा बताओ गलती कितने की हुई है, क्या गलती पूरे 3 लाख की हुई है? नहीं सर, 3 लाख रुपए में से 2,40,000 रुपए तो प्रॉफिट रेशियो में ही जाना था। जो 3 लाख रुपए आपने प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया उसमें से 2,40,000 रुपए तो प्रॉफिट रेशियो में ही जाना था। सिर्फ वो 60,000 जो इंटरेस्ट के रूप में इतना इतना मिलना था, अगर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो पैसा भी प्रॉफिट में आके ऐड हो चुका है। देखो ना, 2,40 तो ठीक है जी, 60,000 रुपए यहां पे ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट रेशियो में आपका। तो गलती सुधार लो, जो 60,000 आपको इतना इतना मिलना था वो हमने क्या किया, रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ क्या मैं बड़े तरीके से करूं, क्या मैं पूरा करके दिखाऊं बच्चे, या जितने से गलती हुआ उससे करके दिखाऊं? सर एक काम करो, जितने से गलती हुआ वही पकड़ लो आप, है ना, जितने से गलती हुआ। आप देखो यहां पे हमने गलती कितने से किया, 60,000 की गलती हुई है, क्योंकि 3 लाख रुपए जो आपका है जी, इस 3 लाख में से 2,40,000 तो आपका प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड होना ही था बच्चे। सिर्फ 60,000 रुपए जो आपने क्या किया है एज इंटरेस्ट देना था, वो पैसा भी आपने क्या किया, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया। हमें इस गलती को सुधारना है, आओ इस गलती को सुधारता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, लिखे मेरे साथ यहां पर, लिखेंगे आप स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ। जरा बताओ क्या, तो आपका अमाउंट फॉर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, वो जो आपका एडजस्टमेंट एंट्री है उस एंट्री को पास करने के लिए बोलता है। जरा बताओ आप यहां पे क्या करोगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए, ठीक है ना सर? हाँ जी, तो लिखो मेरे साथ यहां पे जी, एक तो एक्स का नाम लिखा आपने, एक नाम लिखा यहां पे वाई का, एक्स और वाई। जरा मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ गलती कितने रुपए की हुई है? सर 60,000, 60,000 रुपए आपका। तो देखो ये 60,000 रुपए जरा पता करो कि करेक्टली, आपको रटना नहीं है बच्चे, आपको समझना है करेक्टली, आपने क्या करना था जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था ना बच्चे, एग्रीमेंट में तो था सर, हाँ देना था। आप बताओ उस इंटरेस्ट में से एक्स को कितना? सर 40,000 रुपए का अमाउंट आपका। आप मुझे बताओ वाई को कितना?
सर 20,000 रुपए का अमाउंट आपका, तो 40 और 20 मिलकर टोटल इंटरेस्ट कितना आपका हो गया सर 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 का जो अमाउंट था उसमें 40 आपको मिलना था, 20 आपको मिलना था। अगर ये 60 एज इंटरेस्ट नहीं दिए तो वो 60 भी हमारा प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड आपका हो गया जी। तो आप कहो कि ये रॉन्गली आपने क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। ओहो, ऊपर में कुछ भी गलती अगर होगी तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट आपका प्रॉफिट रेशियो में ही आ जाएगा। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट रेशियो, इस पर क्वेश्चन क्या बता रहा आपको, 3:2। जरा बताओ 60,000 में यहां कितना हो गया सर 36,000, और यहां कितना आ गया जी 24,000 आपका, 24,000। बस आप प्लीज रटो ना, आप ना रटो, आप मेरी बात समझो, आपको समझ में सारी बातें आएंगी। अब आप यहां देखो, ये जो 60,000 रुपए का अमाउंट था, 60,000 जो ऐसे मिलना था ऐसे आपने दे दिया। आओ गलती सुधारता हूं जी, मैं आपके साथ गलती सुधारता हूं। मुझे बताओ 60,000 में से 100 कितना मिलना था सर, 40,000 रुपए, 140 मिलना था। लेकिन बताओ रॉन्गली जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें 100 कितना मिल गया, 36,000 रुपए। आप बताओ इस बेचारे को 40,000 रुपए मिलना था लेकिन आपने इनको 36,000 रुपए दे दिया, तो जहां पे 40,000 रुपए मिलना था वहां 36,000 रुपए दिया, तो आप बताओ इनको कम मिला कि ज्यादा मिला, आपने गलती से जो दे दिया वो कम है कि ज्यादा है सर, वो तो कम है। तो अगर ये कम है बच्चे तो आपको क्या करना होगा, इनको 4,000 रुपए और देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज बाद में झगड़े होंगे। 36,000 में आपको दे चुका हूं पहले से जी, 4,000 और ले लो, आपको कितना हो जाएगा 40,000 रुपए का अमाउंट। बात समझ में आ रही बच्चे सर? हाँ। अब देखो वाई को 20,000 रुपए मिलना था करेक्टली, यानी कि वाई को कितना मिलना था 20,000 रुपए, लेकिन उनको कितना मिल गया 24,000 रुपए। आपका 20 ही है लेकिन मिल गया 24,000 रुपए, आपको ज्यादा मिल गया बच्चे 4,000 रुपए। तो चलो बताओ वाई को अगर 4,000 रुपए ज्यादा मिल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा यहाँ पे, तो 4,000 क्या करना जी मुझे वाई से ले लेना आपका। तो हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एंट्री हमें पास करनी है बच्चे, जो हमें एंट्री पास करनी है, आप देखो वाई के अकाउंट से पैसे निकाल लो, अगर वाई के अकाउंट से निकालोगे तो वाई का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। आपको तो पता है ना, मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल का कम होना डेबिट होता है, और एक्स को हमें पैसा दे देना है, तो आप क्या करो एक्स के कैपिटल में ही अमाउंट जाके आप ऐड कर दो 4,000 का अमाउंट आपका, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, काम कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही बच्चों? सर हाँ सर, बात समझ में आ गई। आप जो बोल रहे हो हमें पूरी तरीके समझ में आ गया कि वाई के अकाउंट से निकाल के एक्स में आप ऐड कर दो। ठीक है सर, ठीक है। आगे बताओ सर, आगे बताओ, आगे क्या होना है? तो अब आगे क्या बताऊं मैं, बात हो गई यहाँ पे, अब क्या करो, कुछ नहीं। हाँ, आप कुछ नोट लिख लो जी, नोट लिख लो, और नोट भी हमारे साथ समझते हुए, आपको रटना नहीं है। एक बात बताओ, ये जो आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया सही तरीके से, उसमें 3,00,000 रुपए में से 60 इतना और 2,40,000 इतना, रॉन्गली 3,00,000 पूरा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलती कितने की हुई, गलती तो सिर्फ 60,000 रुपए की आपका, 60,000 रुपए की, यही गलती हुआ ना सर? हाँ। मुझे बताओ आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने क्या किया, सिर्फ गलती का अमाउंट ढूंढा, जो सही है उसको थोड़े कुछ करना है, वो तो ठीक है जी, जो गलती है उसको तो सुधारूंगा। तो देखो आप ध्यान दो कि इस रेक्टिफिकेशन को पास करते हुए आपके फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमें कोई मतलब नहीं बनता। आपके पार्टनरशिप फर्म ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस 3,00,000 रुपए में से जितने अमाउंट की गलती हुई है उस अमाउंट को सिर्फ पता करना बच्चे। यानी कि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहां पे टोटल प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज इरेलीवेंट, ये आपके लिए कोई मतलब नहीं बनता, इरेलीवेंट है बच्चे। इरेलीवेंट मतलब क्या, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों करूं मैं? अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं भी बताता तो भी बात बन जाती, अगर मैं आपको प्रॉफिट नहीं बता तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। आप कहते कि यार इंटरेस्ट देना भूल गए, तो इंटरेस्ट का अमाउंट 60 बना, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर लिया होगा, और वो आपने क्या किया होगा जी, इस तरीके से कर दिया, काम खत्म आपका हो गया। तो टोटल प्रॉफिट जो आपका अर्न ड्यूरिंग द ईयर आपका है यहाँ पे, वो इरेलीवेंट है, हम बात कर रहे हैं इन दिस क्वेश्चन है ना। अब ये रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा वो तो क्वेश्चन पढ़ते में पता चल जाएगा, आपको चिंता नहीं करना,
बस ये बात है आपको ध्यान रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी सर? हाँ सर हो गया, आप इसकी कॉपी कर लो, आप पहले आप इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन के अंदर आता हूँ और मुझे बताना कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो ठीक है कि नहीं आपका। पहले आप इसकी कॉपी कर लो, जल्दी से करें कॉपी आप। सर हो गया कॉपी हमारा, हो गया ठीक है। फिर अब जरा आता हूँ मैं आपके बुक के अंदर में और देखता हूँ कि बुक्स के क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। इसे मिटा दो बच्चे? सर हाँ मिटा दो आप, ये तो हमने कर लिया आपके साथ। आप जरा देखते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपका, इसको मैं मिटाता हूँ जी आपके लिए। ये लीजिए मैंने मिटा दिया बच्चों। अरे मैंने क्या अगर देखा जाए तो समझाया ही क्या, 2 मिनट की तो बात की मैंने। मैंने कहा कि अगर पार्टनर्स को कुछ आप दे चुके हो, सॉरी अगर आपने नहीं दिया है और उसको किसी और तरीके से दे चुके हो तो आप उसको सही करो जी, एडजस्टमेंट एंट्री आपका, यही काम किया ना बच्चे आपका। हाँ हमें आपको एक बात बताया कि आप ये मत देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, आप सिर्फ देखो गलती कितने की हुई है, जितने की गलती हुई हम उसी से क्या करेंगे एंट्री यहाँ पास करने काम करेंगे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। तो मैं अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। ये लीजिए एक क्वेश्चन मैं निकालता हूँ जी, बहुत गंदा क्वेश्चन बनाऊंगा, बहुत गंदा क्वेश्चन, देखता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कर पाते कि नहीं कर पाते। लीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे सर का चैलेंज क्वेश्चन। चैलेंज क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर ये क्वेश्चन आप कर गए, अगर ये समझ में भी आ गया आपको तो आपको इस टॉपिक के 90% कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना? लीजिए मेरे साथ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में लिखाऊंगा। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे जी एग्जाम्पल के तौर पे, कहता है कि एक्स, और जगह लेता हूँ मैं, जगह मुझे कम पड़ जाता बार बार। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स है, इनका जो कैपिटल है वो कहता है कि 5 लाख रुपए का अमाउंट है, यहाँ 3 लाख रुपए का अमाउंट है और यहाँ कहता है कि 2 लाख का अमाउंट है। लेकिन ये कहता है कैपिटल आपका 31 दिसंबर 2016 का कैपिटल है, ध्यान रखना 31 दिसंबर यानी कि एंड के कैपिटल की बात कर रहा हूँ, एंड का कैपिटल बच्चे, ठीक है ना सर? हाँ एंड का कैपिटल आपको, अच्छा समझ में आ गया एंड का कैपिटल है। तो मुझे जब भी अगर इंटरेस्ट की गलती बताएगा तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका तो अभी पता है, जिसको प्लस किया उसको माइनस करूंगा, जिसको माइनस किया प्लस करूंगा, ठीक है सर हमें पता चल गया, आगे बढ़ो। कहता कि ड्रॉइंग्स आपका, ये ड्रॉइंग्स कहता कि इनका 2 लाख रुपए का अमाउंट है, इनका कहता कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है, और इनको कहता है जी आपका, चलो इनका भी ले लेता हूँ मैं 1 लाख रुपए का अमाउंट, इनकी ड्रॉइंग्स आपके यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा ये ड्रॉइंग्स भी हो गया सर, आगे बताओ। कहता कि पार्टनरशिप डिड जो है, पार्टनरशिप जो यहाँ पे डिड है यानी कि जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है पार्टनर्स को, वो कहता है कि 10% आपका पर एनम है, ठीक है सर? फिर कहता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है, और वो कहता है कि आपका 6% पर एनम, ध्यान रखना जब भी ड्रॉइंग्स पर एनम बोल देगा तो उस केस में अगर ड्रॉइंग्स का डेट ना बताया तो हम 6 महीने का चार्ज करता है, आपको बात पता है सर? हाँ जी। फिर कहता है जी आपका यहाँ पे सैलरी भी हमें देना था, और वो आपको देना था जी वाई को और जेड को, इनको कहता है कि 30,000 की सैलरी देना था जी पर एनम, और इनको कहता है कि 20,000 की सैलरी हमें पे करना था पर एनम आपका, ठीक है ये भी हो गया हमारा। फिर कहता था कि जो आपका प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो वो कह रहा था आपका यहाँ पे जी कितना लिखो बताओ, 2:1:1 आपका, ये कहता था कि रेशियो आपका था, ये इनका डिड था बच्चे, एग्रीमेंट था। लेकिन क्वेश्चन कहता, मैं बहुत गंदा क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ बहुत गंदा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन कहता है यहाँ पे व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, या ऐसे कीजिए व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहता है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहता है कि होल प्रॉफिट, होल प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स इन देयर
प्रॉफिट रेशियो, लो लो ये क्या कहता है कि प्रॉफिट को लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाते समय होल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया है वो सारा प्रॉफिट कहता है कि उनके रेशियो में डिवाइड हो गया। सर कितना प्रॉफिट, मैं लिख देता हूं जी, प्रॉफिट आपका जो कमाया गया है, कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये दिख रहा है बच्चे आपको? सर हाँ, ये जो नेट प्रॉफिट आपका है जी, जो आपने कमाया है वो प्रॉफिट कहता है, बताओ कितना मान लो, आप ही बोलो। सर मान लो 5 लाख। चलो आपकी ही बात मानूंगा और किसी की बात नहीं मानने वाला, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है जी। कहता है कि ये प्रॉफिट आपने क्या क्या उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया। बोलता बताओ कि आप यहाँ पे, बोलता है कि पास एंट्री लो, कहता है कि पास आपका एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब आपने इसको सुधारने के लिए कटिंग नहीं करना, रविंग नहीं करना, आप क्या करो एक एंट्री पास करो और गलती सुधार जाए। जरा बताओ क्या करेंगे आप यहाँ पे? ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया, मुझे पता है ये बहुत गंदा क्वेश्चन हो गया, मुझे भी पता है, लेकिन आपको टफ नहीं लगेगा बच्चे। आप 2 मिनट मेरी बात सुन लो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। कहता कि एग्रीमेंट के मुताबिक इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज भी करना था, सैलरी भी देना था। कहता कि इन तीनों को देने और लेने के बाद फिर प्रॉफिट रेशियो में आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन आपने क्या किया, 5 लाख में इन तीनों को लेने देने के बजाय आपने पूरे 5 लाख को क्या किया, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया। जरा मुझे बताओ कि क्या गलती पूरे 5 लाख की है? क्या मेरे बच्चे, जरा बताओ गलती पूरे 5 लाख की है? नहीं सर नहीं, 5 लाख की गलती नहीं है। अरे 5 लाख रुपए में से सिर्फ गलती इस अमाउंट की है, क्योंकि 5 लाख में जो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड होना था एक्चुअली वो तो प्रॉफिट में ही डिवाइड हुआ है, सिर्फ ये अमाउंट जो इनके बीच में आपका इस तरीके से मिलना था वो भी प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो गया होगा। ऊपर में कुछ भी गलती होगी, ऊपर में कुछ भी गलती होगा बच्चे, तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट को बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो ऊपर में कोई भी गलती करोगे तो उससे प्रॉफिट में ही इंपैक्ट आ जाएगा, प्रॉफिट आपका कम या ज्यादा हो जाएगा जो रेशियो में डिवाइड आपका होता है। तो आओ जरा मैं इसको सुधारूं। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपका कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा तो क्या क्लोजिंग कैपिटल पर निकालूंगा बच्चे? ना 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 ना, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। मुझे पता है आप ये बात जानते हो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा हमेशा किस पर निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। क्या ये ओपनिंग कैपिटल है? नहीं सर, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। तो आप मुझे बताओ पहले क्या करना पड़ेगा? सर पहले ओपनिंग कैपिटल जानना पड़ेगा क्वेश्चन की शुरुआत करने के पहले। तो आइए जरा मैं यहाँ पे रेडी करूँ आपके साथ सोल्यूशन। ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा दिया हुआ जी, अब रेडी कर रहा हूँ। यहाँ लिखिए मेरे साथ कि आप पहले बोलेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, आप यहाँ बोलेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे, सॉरी माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दो, आज पता नहीं क्या हो गया, लग रहा है सर थके थके से है। हाँ बच्चे सुबह से क्लास चल रही है, इंटर की, फाइनल की, सीएमए सीए, क्या करूं मैं, बट थका नहीं, मैं थकता नहीं। लो यहां लिखता हूं मैं और जोश के साथ, कंपटीशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये लो आपको मैंने यहां पे ओपनिंग कैपिटल दिया है। मैं आपको बता रहा हूं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकल के आएगा। यहां लिखिए आप, तीन पार्टनर है, एक्स वाई और आपका जेड, तीन पार्टनर है, ठीक है ना सर? हाँ जी। तो ये जो तीन पार्टनर्स आपका है, जरा बताओ इनका ओपनिंग कैपिटल निकालना है। पहले जरा बताओ कैपिटल एट एंड कितना बता रहा है, कैपिटल आपका एंड में कितना है जी? सर इनका 5 लाख रुपए। वाई का कितना बता रहा है? सर 3 लाख रुपए। जेड का कितना बता रहा है? सर 2 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। आप बताओ क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ड्रॉइंग्स को आपने क्या किया था? सर माइनस किया था। तो जरा बताओ ओपनिंग कैपिटल निकालते समय मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो आप एक काम करो, ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है आप उसको ऐड कीजिए, यहाँ पे 2 लाख रुपए ऐड करेंगे आप, यहाँ आपने 1 लाख रुपए ऐड करना है और यहाँ फिर से आपने 1 लाख रुपए आपने ऐड करना है। तो ये अमाउंट क्या किया जी, हमने इनके अकाउंट में ऐड कर दिया ओपनिंग कैपिटल को निकालने के प्रोसेस में। आप मुझे बताओ कि क्या ये चीजें पार्टनर्स को दी गई बच्चे? क्या ये दिया गया? नहीं सर नहीं दिया गया। तो अगर हमने नहीं दिया तो इनके कैपिटल में वो प्लस हुआ ही नहीं, तो फिर माइनस भी नहीं करूंगा। ओपनिंग कैपिटल निकालते समय जिनको हमने प्लस किया था उसको माइनस करना, जिसको माइनस उसको प्लस, उसको कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ ये कहता है कि जो 5 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट आपने क्या किया, उनके रेशियो में आप उनको ऐड कर चुके हो, उनके रेशियो में ऐड हो चुका। तो ठीक है मैं सुधारता हूं।
तो फिर मैं क्या करूंगा, ये 5 लाख क्योंकि इनके प्रॉफिट इनके कैपिटल में ऐड हो चुका है जी, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे जी। 5 लाख अमाउंट रेशियो 2:1 स्टूडेंट, जरा बताओ कितना हो जाएगा। सर 5 लाख में यहाँ हो गया 2.5 लाख का अमाउंट, यहाँ हो गया 1,25,000 का अमाउंट, और यहाँ पर आपका हो गया 1,25,000 का अमाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। तो चलो बताओ अब आपका यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल क्या निकल के आ गया, ओपनिंग कैपिटल। तो सर देखो ना, ओपनिंग कैपिटल 5 + 2 माइनस 4.5 लाख का अमाउंट आपका हो गया, ठीक है। आप बताओ इनका कितना आ गया जी? सर ये हो गया 2,75,000 का अमाउंट आपका, ये भी ठीक है। चलो बताओ ये कितना हो गया? सर ये हो गया 175 आपका, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला बच्चे। आओ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। अब लिखे यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। जो आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे बोलता, जरा बताओ आप उसको निकालो। आइए मैं शुरू करता हूँ एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास किया जाएगा। लीजिए ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा आपका जेड, तीन पार्टनर्स आपके, ठीक है। बताओ क्या क्या भूल गए, कहता है कि इंटरेस्ट देना भूल गए। तो पहले आप देखो करेक्टली क्या क्या होना था। तो आप कहेंगे कि सर करेक्टली एक तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए इंटरेस्ट एक्स को कितना मिलना था, 10% ऑफ कितना, 4.5 लाख ओपनिंग कैपिटल का बच्चे हमेशा 45,000। Y को कितना मिलना था जी, इनका 10% यानी कि 27,500 रुपये, और इनका जी 17,500 हमेशा कैपिटल हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि वही पैसा पूरे साल आपका यूज किया गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करना था जी, ये लो उनको सैलरी देना था। तो सैलरी किसको देना था बच्चे, सर Y को, ये लिखो आप 30,000 का अमाउंट, और किसको देना था जी, Z को, कितना अमाउंट आपका 20,000, ये भी लिख दो यहाँ पे आपका, इनका कोई सैलरी नहीं है। तो करेक्टली इंटरेस्ट देना था, करेक्टली सैलरी देना था, और जरा बताइए क्या होना था। तो सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे चार्ज करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको देते हैं बच्चे, सैलरी भी पार्टनर्स को देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे लेते हैं। तो आप एक काम करो, नेट अमाउंट पता करने के लिए आप इसमें से वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट माइनस कर दो। ध्यान रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आप निकालेंगे वो 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे, क्योंकि मैंने कई बार आपको बोला हुआ है कि अगर क्वेश्चन में पर एनम रेट दिया हुआ रहेगा और ड्रॉइंग्स का अगर आपको डेट ना बताए तो 6 महीने का हम इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करते हैं। आप बताओ 2 लाख पे 6% और 6 महीने का कितना हो जाएगा, सर 2 लाख पे आपका 6% तो हो गया आपका 12,000 रुपये, और आप कह दो कि 6 महीने का ये हो गया सर 6,000, माइनस करो यहाँ पे आप 6,000 का अमाउंट, वहाँ कितना आ जाएगा जी, तो सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लाख पे है ना, तो 3,000 का अमाउंट आपका, और यहाँ कितना जी आपका अगेन 3,000 का अमाउंट, क्योंकि इनका भी ड्रॉइंग सबका सेम निकल के आ रहा है। जब भी क्वेश्चन में आपको रेट दिया रहता है और आपको ड्रॉइंग से रेट ना बताया तो हम 6 महीने का चार्ज करते हो, ऑन एन एवरेज आपका ये निकल के आपका आया। जरा बताओ करेक्टली नेट अमाउंट एक्स को कितना मिलना था, 45 - 6 यानी कि 39,000। वाई को कितना मिलना था जी, सर 27,500 रुपये प्लस आपका 30,000 रुपये माइनस आपका 3,000 रुपये, ये हो गया 54,500 रुपीज का अमाउंट आपका। और जरा जेड का बताना आपका, तो सर 17,500 मिलना था प्लस उनको 20 भी मिलना था, लेकिन 3 उसमें से हटा दो आपका, तो 34,500 रुपीज का अमाउंट आपका, 34,500 रुपये। मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, इतना इतना पैसा मिलना था जी। आप जरा चेक करो ये तीनों मिलके कितना अमाउंट बन गया आपका, सर इनका 39,000 है, उनका 54,500 है, और उनका आपका कहते हो 34,500 रुपये, तो 1,28,000 1,28,000 ये टोटल अमाउंट है जो एक्स वाई जेड को मिलना था बच्चे। ये टोटल अमाउंट जो आपका है 128 जो इनको मिलना था, अगर ये हमने नहीं दिया तो ये पैसा भी एंड में प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो गया होगा। तो आपने क्या बोला, ये रॉन्गली आपने क्या किया जी, इसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, आप इसको क्या कर चुके हो, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर चुके हो। तो चलो बताओ रेशियो क्या बता रहा क्वेश्चन में, सर 2:1:1, तो आप ये 2:1:1 में डिवाइड कर चुके हो। जरा बताओ कितना हो जाएगा, सर 4 से डिवाइड कीजिए इनटू 2, तो आपका ये 64,000 हो गया
यहाँ पे आपका आप जरा देखो तो 32,000 का अमाउंट हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 32,000 का अमाउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। अब आओ जरा मैं समझता हूँ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। ये देखो आप, एक्स को करेक्टली 39 मिलना था ना 39 सर? हाँ जी। लेकिन रॉन्गली मिला कितना? 64,000। आप बताओ इनको 39 मिलना था, मिला यहां पे 64,000, तो मुझे बताओ इनको ज्यादा मिल गया कि कम मिल गया? सर ये तो ज्यादा मिल गया, इतना ही मिलना था, इतना मिल गया। तो आप एक काम करो, इनके अकाउंट से पैसे निकाल लो। तो आप क्या करोगे, यहां पे 25,000 जो इनको ज्यादा मिल चुका है वो हमने क्या क्या निकाल दिया। रटो मत बच्चों, रटो मत, आगे नहीं समझ में आएगा। आप समझो मैं क्या समझा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। आपको टोटल अमाउंट नेट 39 ही मिलना था जी, लेकिन आप 64 लेके जा चुके हो रेशियो में आपका, तो हम क्या करेंगे 25 आपसे ले लेंगे। आप जरा चेक करो वाई का क्या निकल के आ रहा है। तो इनको 54,500 मिलना था, लेकिन आप कितना लिए अभी तक जी? 32,000 रुपये। तो आपको तो कम मिला है, यानी कि 22,500 रुपये आपको क्या करना होगा, हम इनको देंगे, इनके अकाउंट में प्लस करना होगा। ये देखो इतना मिलना था, इतना ही मिला, तो और दे दो। इनको 34,500 मिलना था, 32 ही मिला, तो मैं क्या करूँगा, 2,500 रुपये और यहाँ पे मैं दे दूँगा 2,500 रुपये। आपका काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। आगे बढ़ो सर, अच्छा लग रहा आज तो हमें, आज लग रहा है कि हम कुछ समझ रहे हैं सर, समझने वाली बातें निकल के आ रही है। तो अब क्या समझाऊँ, खत्म तो हो गई बात, एंट्री तो सिर्फ पास करना रह गया। ये लिखो, जगह मेरे पास है यहाँ पे, मैं आपका एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पास कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एंट्री पास कर रहा हूँ। एंट्री में क्या करूँगा जी, एक्स के अकाउंट से मुझे पैसे निकालने हैं, तो आप एक काम करो, एक्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे डेबिट कर दो। कितना अमाउंट हो गया सर? 25,000। ठीक है, वाई में हमें ऐड करना है जी, तो आपने क्या बोला यहाँ पे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये लो वाइज कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 22,500 रुपये आपका। और जेड के अकाउंट में हमने इतना ऐड करना जी, टू जेड कैपिटल अकाउंट, हमने कितना ऐड कर दिया, 25,000। एंट्री हमारी कंप्लीट, एक्स टू वाई टू जेड आपका, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ जी, एंट्री कंप्लीट हो गया। आप देखो हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए, क्योंकि जितना किसी से लोगे उतना किसी को देना पड़ेगा, है ना। और ये काम पूरा हो गया आपका। आप प्लीज़ कॉपी करो, आप प्लीज़ कॉपी करो इसको, फिर मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ। आप थक तो नहीं गए? नहीं सर नहीं, अभी कहाँ, अभी तो सर कुछ भी तो नहीं हुआ, अभी कैसे थक सकते हैं आप। सर कुछ और करा दो, उसके बाद थकने की बात करेंगे। आप देखो ये मेरा चैलेंज क्वेश्चन था बच्चे, चैलेंज था। क्या आपको समझ में आया सर? हाँ। तो अगर ये समझ में आया ना, तो आप बिलीव करो मैं बुक्स में दिखाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, बच्चे का खेल है। यूं चुटकी बजाओगे क्वेश्चन खत्म आपका हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, लो फिर आपने कॉपी लिखा यहाँ पे, आपने इसको कॉपी कर लिया जी। अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चे, आगे बढ़ूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगला जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन पता नहीं आप समझ पाओ कि ना समझ पाओ। आप एक काम करना, जो भी आप में से कमजोर दिल के बच्चे हैं वो जल्दी से जाएंगे और कुछ खा के आएंगे बच्चे, क्योंकि एनर्जी चाहिए समझने के लिए, एनर्जी चाहिए। अगर उसको बिना समझे मैं आज क्लास छोड़ दूँ तो बहुत बड़ा पाप करूँगा बच्चे, मैं उस टॉपिक को बिना समझाए अगर छोड़ दूँ तो बड़ा पाप करूँगा, और वो मैं चाहता नहीं। तो आप, मैं इसको मिटाता हूँ और आप उस क्वेश्चन को रखो, फिर मैं देखता हूँ क्या निकलेगा। मिटा दूँ मैं इस क्वेश्चन को, मिटा दूँ बच्चे? अरे मिटा दूँ सर? हाँ मिटा दो। तो ये लो मैंने मिटा दिया, ये लो मैंने मिटा दिया। और अब जो करने वाला हूँ, आप ध्यान देना, देखता हूँ कि कितने बच्चे आते जल्दी से, जिनको भूख लगी है कुछ खा के आ जाओ, पी के आ जाओ, आपको वॉशरूम जाना वहाँ से भी आ जाओ, आप बिल्कुल फ्रेश रहो, बस माइंड आपका बस मेरे शब्दों के साथ चले, माइंड ना इधर ना उधर, जितना चाहे उतना रिविजन कर लें, कोई टेंशन थोड़े, टारगेट हमारा 100 है, टारगेट 100 बस और कुछ नहीं, आपको 100 मार्क्स लेकर आने। बोलो सर क्या चेंज चाहते हो आप, बोलो, हमारे अंदर एनर्जी आ चुकी है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बच्चे, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, यानी कि सर का चैलेंज क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब मैं इसी के अंदर में एग्जाम्पल नंबर 2 रेडी करता हूं। सर का चैलेंज क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2, चैलेंज क्वेश्चन हमेशा टफ होते ही, बात याद रखना। मैं कहता हूं कि एज्यूम, मान लो, लिखिए मेरे साथ, एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 1 ब्रैकेट में सर का चैलेंज क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। लो लो ये मैंने क्या कर दिया, लो मैंने क्या कर दिया,
ये क्वेश्चन और हमने टफ तो नहीं कर दिया। हमने कहा कि मान लो कैपिटल फिक्स्ड है बच्चे, यहां पे जब कुछ ना बोले तो हम क्या मानते हैं, हमेशा फ्लक्चुएटिंग, वहां फ्लक्चुएटिंग था। यहां कहता कि मान लो, कहता कि भैया कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा जरा बताओ। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन को मैंने कहीं टफ तो नहीं कर दिया? नहीं सर, नहीं, ये तो और सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल अगर फिक्स्ड होता है तो जो ओपनिंग कैपिटल होगा वही क्लोजिंग कैपिटल होगा। अरे फिक्स जब कैपिटल मेथड चलता है तो जो ओपनिंग है वही तो क्लोजिंग होता है, या ऐसा कह दो जो क्लोजिंग होता है वही तो ओपनिंग होता है, क्योंकि उन क्वेश्चन में चेंजेस कैपिटल में सिर्फ दो रीजन से आते हैं, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका। तो एडिशनल कैपिटल कोई बात है नहीं, एक ड्रॉइंग्स है तो, लेकिन हमने कहा था कि जब तक आपको ड्रॉइंग्स परमानेंट खुद ना कह दे, हमेशा क्या मानना, रेगुलर, और रेगुलर ड्रॉइंग्स कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, वो जाता करंट अकाउंट में। आपको याद होगा ये बात, याद है ना सर? हाँ सर हमें याद है। बोलो क्या करना है, अब करूं क्या, अब क्या करूं मैं, बात हो गई हमारी। अरे आपको हमने कहा कि अगर मान लो कि आपका कैपिटल फिक्स्ड है तो मुझे बताओ जरा, क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा बच्चे, क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकालू? नहीं सर नहीं, अगर ये कैपिटल फिक्स हो गया तो जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वही क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। लिखो यहां पे नोट, लिखो नोट समझने के लिए, सिंस कैपिटल इज फिक्स्ड देन क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, लिखिए मेरे साथ यहां पे, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, ओपनिंग कैपिटल विल बी सेम, विल बी सेम, है ना बच्चे, ये सेम रहेगा, क्योंकि यहां पे एडिशनल कैपिटल की बात नहीं कर रहा, परमानेंट ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहा, तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा। इसका मतलब कि अब हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालना। फिर तो फटाफट कीजिए आप, यहां लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट फॉर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोलता बताओ आप यहां पे क्या करोगे, बोलता बताओ क्या करोगे। तो ठीक है, अब लिखा हमने यहां पे एक्स का नाम, वाई का नाम, जेड, काम तो वही करूंगा, काम तो वही होगा, आपने गलती तो की है, सुधारना तो पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ पहले इनका करेक्टली क्या होना था? तो आपने कहा कि सर करेक्टली यहां पे एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलना था, करेक्टली यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, कितना, 10% कहता है जी आपका एक्स का। मुझे बताओ 5 लाख रुपए का 10% कितना होगा, 5 लाख का ही ना बच्चे, यही ओपनिंग कैपिटल है जी सर। हाँ तो 50,000, ठीक है, जरा बताओ इनको कितना, 30,000, ठीक है, इनका बताइए 20,000, ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर आप क्या करो जी, आप यहाँ पे ऐड कर दो सैलरी का अमाउंट, थोड़ा सा चेंज जी, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे सेम होगा, अमाउंट वेरी करेगा, और क्या, वाई में 30,000 रुपये फास्ट चलूंगा मैं, वाई में 30, जेड में आपका 20,000 रुपये का अमाउंट, मेरे साथ चलिए, कुछ नया थोड़े सीख रहा हूँ। और हाँ, इसमें से क्या करना होगा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हम आपको देते हैं, बट ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज करते हैं। 6% कह रहा है पर एनम है, 6 महीने का चार्ज किया जाएगा जैसे हम पहले किए थे, तो 20,000 रुपये पे कितना हो जाएगा जी सर, 6,000 का अमाउंट आपका 6 महीने का, यही होगा ना सर? हाँ जी, यहाँ कितना आया था जी, 3,000, और यहाँ कितना, 3, सिर्फ एक तो चेंज आया कि क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल आपका सेम होगा, इसलिए इंटरेस्ट यहाँ पे जो होगा वो चेंज हो जाएगा बच्चे आपका। जरा बताओ ये नेट अमाउंट कितना मिल गया इनको, मिलना था 44, इनको कितना, तो 60 माइनस ये आपका 57,000, और इनको कितना जी, 40 माइनस 3 यानी कि 37,000, ये नेट अमाउंट आपको मिलना था, ये अमाउंट आपको मिलना था बच्चे। तो मुझे बताओ ये तीनों मिला के कितना आपका अमाउंट हो गया यहाँ पे, तो सर 44,000 प्लस आपका 57,000 और प्लस आपका 37,000, यानी कि ये आपका हो गया 1,38,000 का अमाउंट आपका, 138, ये 138 आपको करेक्टली मिलना था, लेकिन आपने रॉन्गली क्या कर दिया, रॉन्गली क्या कर दिया, तो ये जो 138 का अमाउंट है बच्चे, आपने रॉन्गली क्या किया, कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारा का सारा अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, आपने क्या किया, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया। जरा बताओ रेशियो क्या बता रहा है,
सर वो रेशियो कहता है कि 2:1:1 कम आउट आपका। तो चला बताओ 130/4 × 2 कितना हो जाएगा बच्चे? सर ये हो जाएगा 69,000। यहाँ लिखे आप, यहाँ कितना हो जाएगा जी? सर ये हो गया 34,500 और ये भी हो गया 34,500। तो ठीक है, काम खत्म हो गया। आओ चेक कर लेता हूँ आपके साथ। इनको करेक्टली 44 मिलना था लेकिन आपने इनको 69 दे दिया, तो आपने ज़्यादा दे दिया ना बच्चे। ले लो ना, ले लो इनसे। अगर आपने 69 दे दिया है जबकि इनको 44 ही मिलना था, तो आप इनको क्या करो जी, 25,000 आप इनसे क्या करो, ले लो। मैं आपको 69 दे चुका हूँ, 44 ही देना था तो मैं ले लूँगा। इनका बताओ क्या निकल गया, 57,000 इनको मिलना था लेकिन हमने इनको 34,500 ही दिया है, तो इनको 22,500 और दे देंगे हम, 22,500। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2,500 ये मिल गया आपका। अब कहता चला बताओ एंट्री क्या होगा, तो एंट्री मैं करता हूँ। ये लो, आप मुझे पता है, मुझे पता है कि आप मुझसे पहले एंट्री कर चुके हो, जल्दी एंट्री कर लो। आपने क्या एंट्री किया, ये देखो आपने एंट्री किया, मैं दिखाता हूँ एंट्री क्या किया। नजरिया नजरिया, ये देखो एंट्री क्या किया है। आपने कहा है कि सर एक्सेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक से कैपिटल कम हो रहा है, डेबिट कीजिए आप 25,000, जल्दी देखोगे आप। एंड टू आपने बोला कि वाइज कैपिटल अकाउंट, और फिर आपने बोला टू जेड कैपिटल अकाउंट, आपका 22,500 यहाँ पे और 2,500 यहाँ पे, यही एंट्री निकल गया ना बच्चे, यही एंट्री निकल गया ना जी। सर हाँ जी सर, यही एंट्री निकल गया, गलत हो गया। सारे सपने चकनाचूर, सारी मेहनत खत्म हो गई बच्चे। क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? आप मुझे बताओ कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो ये इंटरेस्ट सैलरी देना लेना जो होता है वो क्या कैपिटल अकाउंट में होता है बच्चे, या करंट अकाउंट में होता है? ओहो हाँ जी सर, वो तो करंट अकाउंट में होता है। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना, प्रॉफिट देना, ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट चार्ज करना, सब करंट अकाउंट में होता है। तो अगर हमने ये सब कुछ करंट अकाउंट में प्लस माइनस करना था तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगा ना बच्चे। जो भी हमें आपको देना है या जो लेना है वो तो हम करंट अकाउंट से करेंगे। अच्छा सर ठीक है, माफ कर दो सर, गलती हो गई। आप ठीक है, लो यानी कि एक्स कैपिटल नहीं, यहाँ पे अब हो जाएगा एक्स करंट अकाउंट, वाइज यहाँ पे हो जाएगा करंट अकाउंट, जेड आपका हो जाएगा यहाँ पे करंट अकाउंट। बात यहाँ पे करंट अकाउंट पे आकर रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई कि आप जब कैपिटल फिक्स होगा तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, देखो यहाँ पे भी वही अमाउंट आ गया जो पिछले क्वेश्चन में आया था, तो कैपिटल फिक्स या फ्लोचरिंग दोनों में सेम आ रहा है क्या? हमेशा सेम आएगा ना बच्चे ना, ये कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया। वेरी भी कर सकता है, अलग भी आ सकता है, बट आपको टेंशन नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया जी, आपको ये बातें पूरी खत्म कराई। चलिए आप इसकी कॉपी कर लें और मैं क्लास को आज यहीं पे रोकूंगा। मैंने आज आपको कुछ भी तो नहीं पढ़ाया, समझाया एक छोटी सी गलती जो हो गई है, उन गलती को कैसे सुधारा जाएगा। तो गलतियाँ जो होगी उसको हम सुधार लेंगे, गलती को सुधारने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मिलूंगा अगली क्लास में बच्चे नए अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा, इतना कि सिर्फ दुनिया में आप दिखाई दोगे और कोई नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए आपको रहना है, आपको एग्जाम देना है, टारगेट आपका 100+ का होगा, लेकिन टेंशन से नहीं, इंजॉय करते हुए। पढ़ाई इंजॉय करने का चीज़ है, टेंशन की चीज़ नहीं है। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको जहाँ टॉपिक छोड़ा था वो था पास्ट एडजस्टमेंट। हमने आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट में जितनी सारी गलतियां हो चुकी उसको सुधारना बिना रबिंग किए, कटिंग किए बगैर। सर हाँ ये तो हमें याद है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया था बच्चे, कई सारे क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से आपका देखा था कि अगर कैपिटल आपका कभी एंड में दे दे तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की नौबत आ सकती है, और ओपनिंग कैपिटल निकाल कर फिर हमने क्या किया, उसका एडजस्टमेंट किया था। सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ याद है, अब आगे बढ़ाओ क्लास को। ठीक है फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ बच्चे इसके आगे की बात आज क्या निकल के आ सकती है। आज ना एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूँ रिवीजन के तौर पे, एक रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन करो, फिर क्लास को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा हमें अच्छा भी लगेगा। ये लीजिए, एक तो आपका टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर हाँ हमें टॉपिक याद है सर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमने क्या किया था, पढ़ा था, और आपको याद होगा इसके अंदर में हमने पिछली क्लास में जो स्टडी किया था उसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट स्टडी किया था। सर हाँ ये भी याद है,
पास्ट एडजस्टमेंट हमने शुरू किया था आपका यहाँ पे, पास्ट एडजस्टमेंट और शुरू किया, हम तो ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे बच्चे। आज हमें क्या करना, उसी क्लास को आगे हमें बढ़ानी है। लीजिए एक क्वेश्चन छोटा सा आपका, फिर फटाफट रिविजन करेंगे हम लोग। ये लीजिए आपका एग्जाम्पल नंबर वन आज की क्लास के लिए। कहता था कि मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल नहीं करा रहा, मैं पिछली क्लास को थोड़ा और आगे भी बढ़ा रहा हूँ बच्चे, समझिए मेरी बात सर। हाँ तो ये लीजिए, कहता कि आपका जो कैपिटल है, कैपिटल एट एंड, एंड में कैपिटल कहता है यहाँ 3 लाख रुपए का अमाउंट है, यहाँ 4 लाख का अमाउंट कह रहा जी, और यहाँ कहता है कि आपका 2 लाख रुपए का अमाउंट है। ठीक है, ये कैपिटल बता रहा बच्चे एंड में। फिर कहता है कि इन्होंने ड्रॉइंग्स किया था, इनकी ड्रॉइंग्स आपने इन्होंने की हुई है, ड्रॉइंग्स आपका, इनका ड्रॉइंग्स कहता है कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है, इनका ड्रॉइंग्स भी कहता है कि मान लो 1 लाख रुपए का अमाउंट है, और इनका ड्रॉइंग्स मान लो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का हुआ बच्चे, 1.5 लाख का ड्रॉइंग्स आपका। कहता कि फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया था, नेट प्रॉफिट आपका ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट कहता है ड्यूरिंग द ईयर, वो कहता कि प्रॉफिट जो आपने कमाया है वो प्रॉफिट आपका 5 लाख रुपए का अमाउंट है, 5 लाख का अमाउंट बचे। और कहता है कि होल प्रॉफिट, ये लो कुछ बता रहा आपको, होल प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स, कहता है कि इक्वली आपने पूरे प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। कहता है कि विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट गिवन इन, गिवन इन पार्टनरशिप डीड। लो कहता है कि जो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट थे, उन एग्रीमेंट्स को बिना कंसिडर किए बगैर आपने क्या किया, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जरा देखो वो डीड में एग्रीमेंट क्या था, मैं आपको बताऊं। ये कहता है भैया कैपिटल एंड में इतना है, ड्रॉइंग्स आपने इतना किया, प्रॉफिट आपने 5 लाख, एक काम करता हूँ 5 लाख को ना मैं बढ़ा के बच्चे 6 लाख रुपए कर देता हूँ, ठीक है ना, इससे क्या होगा कम से कम आपका रेशियो ठीक निकल के आ जाएगा। अच्छा, और कहता कि आपने पूरे प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया, पूरा पूरे 6 लाख इक्वली डिवाइड कर दिया बिना एग्रीमेंट कंसिडर किए बगैर। एग्रीमेंट क्या था जी, तो लिखिए जरा आपका कि फॉलोइंग, फॉलोइंग, फॉलोइंग्स वेयर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप डीड, ये आपका पार्टनरशिप डीड के मुताबिक एग्रीमेंट था जी, जिनको आपने कंसिडर ही नहीं किया और आपने पूरा प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों आपका, पहला लिखिए। कहता कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जी, एट द रेट ऑफ, कहता है कि आपका 10% पर एनम था, कहता कि आप देना भूल गए। फिर कहता है कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने चार्ज करना था, कहता कि एट द रेट ऑफ आपका 5%, लो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना था। फिर कहता कि सैलरी भी हमें देना था, सैलरी कहता कि ए को आपका 20,000 रुपये और बी को कहता कि सैलरी आपको 30,000 का अमाउंट देना था आपका, कहता कि ये भी देना भूल गया आप। और चौथा एग्रीमेंट जो इनके बीच में था जी, चौथा एग्रीमेंट आपका, वो कहता कि प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो जो यहाँ पे था इनके बीच का, वो रेशियो था बच्चे 2:2:1 का। ये 4 एग्रीमेंट थे, आप मेरी बात सुन रहे हो सर? हाँ जी। अब देखो ना, ये तो अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। आप याद करो पिछली क्लास तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे और आज क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है। आप देखो पिछले क्लास तक के जो क्वेश्चन हुआ करते थे बच्चे, उन क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो गलत नहीं होता था, जो एग्रीमेंट पहले से था उसी एग्रीमेंट में प्रॉफिट डिवाइड होता था। हाँ, हम इंटरेस्ट देना भूल गए थे, हम सैलरी देना भूल गए थे, हम कमीशन देना भूल गए थे, ये बातें हुई थी, लेकिन प्रॉफिट रेशियो भी गलत हो गया। ये तो पहली बार हुआ। आप देख रहे हो यहां कहता कि रेशियो जो था आपका, वो प्रॉफिट रेशियो आपका 2:2:1 का था, लेकिन आपने क्या किया, प्रॉफिट को आपने इक्वली डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया,
आपको दो मिनट मेरे साथ शांति से मेरी बातें सुननी होगी। अगर आपको मेरी बातें ना समझ में आए तो आप मुझे कह देना कि सर आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, या सर नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ जाएगी। आप इतने भी छोटे बच्चे अब नहीं रह गए, आप ऑलमोस्ट इस चैप्टर के, इस टॉपिक के एंड में आप आ चुके हैं। सुनिए मेरी बात। आप देखो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया आपने, जबकि 6 लाख में से 10% पहले इंटरेस्ट देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना था, और ध्यान रखना परिणाम यहां पर नहीं लिखा मैंने, आपने सैलरी भी आपको देना था, और जो इन तीनों को देने लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता उस प्रॉफिट को 2:2:1 के रेशियो में आपको डिवाइड करना था। यह एग्रीमेंट था बच्चे, एग्रीमेंट यह था, इस तरीके से डिवाइड करना था। लेकिन आपने क्या किया, कहता कि भैया कुछ भी कंसिडर नहीं किया, इवन रेशियो भी आपने ध्यान नहीं दिया, आप पार्टनरशिप को पूरा भूल गए और प्रॉफिट को पूरा इक्वली डिवाइड कर दिया आपने। मुझे ये बताओ आप में से हर एक बच्चा कि जरा बताओ गलती यहां पे कितने रुपए की हुई है, आप मुझे बताओ कि गलती कितने की हुई है, क्या गलती यहां पर पूरे 6 लाख की नहीं होगी बच्चे, पूरे 6 लाख की? सर हाँ लगता तो है। अरे लगता ही क्यों है, ये तो फैक्ट है बच्चे। अरे 6 लाख ऐसे ऐसे देना था, आपने रेशियो भी आपका 2:1 था, आपने ये भी कंसीडर नहीं किया, आपने पूरे प्रॉफिट को क्या किया, इक्वली डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या करना होगा, ध्यान रखना अभी तक गलती पूरे अमाउंट की नहीं थी बच्चे, इस बार जो गलती है पूरे अमाउंट की है, आपको पता करना होगा अमाउंट कैसे कैसे डिस्प्यूट होना था, फिर काम करेंगे। आओ जरा मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन, यहाँ पे लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, बोलता है कि पास, क्वेश्चन कहता है जी पास एडजस्टमेंट एंट्री, वो कहता है कि भैया आप यहाँ पे क्या करो, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ जी, आइए जरा देखते हैं सोल्यूशन बच्चे, यहाँ पे आइए देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल के आएगा। आप यहाँ रेडी करेंगे मेरे साथ सोल्यूशन। देखो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हमें गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी सुधारनी है तो बच्चे उस केस में हमें क्या करना होगा जी, पहले तो कैपिटल ओपनिंग का जानना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता होगा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जब निकालना होता है तो हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं, जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, क्लोजिंग कैपिटल आपका। तो आइए जरा पहले हम शुरू करेंगे, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट, आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ आपका ओपनिंग कैपिटल। आप यहाँ पे मेरे साथ क्या कर रहे हैं, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं बच्चे, आप ओपनिंग कैपिटल पहले हम ये निकालेंगे, फिर उसके बाद गलती को सुधारेंगे। तीन पार्टनर्स हैं जी ए बी एंड सी, कहता है कि इनका जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल जो आपका एट द एंड है, वो कहता है कि ए का 3 लाख रुपए का अमाउंट है, ये लो 3 लाख का अमाउंट आपका। कहता है कि जो बी का कैपिटल है, बी का कैपिटल आपका, वो कहता है कि 4 लाख रुपए का अमाउंट है, ये लीजिए बी का कैपिटल आपका 4 लाख का अमाउंट हो गया। और सी का जो कैपिटल है वो कहता है कि 2 लाख रुपए का अमाउंट है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी हमें आ रही समझ में सर, आगे बढ़ो। ये लो आपने ड्रॉइंग्स जो आपने ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय माइनस किया होगा, उन ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आपका। तो आपने क्या करना जी, ड्रॉइंग्स को यहाँ पे ऐड करना बच्चे। अब देखो 1 लाख की ड्रॉइंग्स आपकी है, ऐड कीजिए यहाँ पे आप। आपने भी ड्रॉइंग्स आपने 1 लाख का किया हुआ है, वो भी हमने ऐड कर दिया, और आपकी ड्रॉइंग्स यहाँ पे 1.5 लाख रुपये की, हमने क्या किया वो भी ऐड कर दिया। ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिसको ऐड किया था उसको माइनस कर रहा हूँ, और जिसको माइनस किया था उसको प्लस कर रहा हूँ। अब देखो ना ये जो प्रॉफिट 6 लाख रुपए है, ये 6 लाख का प्रॉफिट भी आप इनके अकाउंट में कहता है कि ऐड कर चुके हो। तो मुझे बताओ अगर 6 लाख का प्रॉफिट इनके अकाउंट में अगर ऐड हो चुका हो तो फिर मैं क्या करूँगा? सर माइनस करूँगा। ठीक बोला आपने, अरे अगर वो प्लस हो चुका तो माइनस करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात थोड़े है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये 6 लाख का प्रॉफिट इनके अकाउंट में जो ऐड हो चुका है, जो ऐड हो चुका है, जरा बताओ किस रेशियो में ऐड हो चुका है, किस रेशियो में? सर वो 6 लाख का अमाउंट इनके अकाउंट में जो ऐड हो चुका है, वो ऐड हो चुका है इक्वली बच्चे, यहाँ पे इक्वली ऐड हो चुका है। देख रहे हो प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो इक्वली यहाँ पे। तो ठीक है अगर 6 लाख इक्वली ऐड हो चुका तो 6 लाख इक्वली माइनस कर लो। तो आपने क्या किया, 2 लाख रुपये यहाँ से माइनस कर लिया, 2 लाख रुपये ही आपने यहाँ से भी माइनस कर लिए, और 2 लाख ही आपने क्या करना है, यहाँ से भी माइनस करना है। तो मुझे बताओ जरा अगर ये प्लस माइनस हो गया तो अब इनका ओपनिंग कैपिटल कितना निकल के आ रहा है, ओपनिंग कैपिटल जो ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय प्लस किया था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। तो सर ये तो आ गया 4 लाख रुपए का अमाउंट।
ठीक है, आप बताओ इनका कितना आ गया? सर 3 लाख रुपए का अमाउंट, ये भी ठीक है। आप बताओ इनका कितना आ गया? सर ये तो आ गया 1.5 लाख का अमाउंट, ये भी ठीक है आपका। तो ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिसको प्लस किया था उसको माइनस कर दिया, जिसको माइनस किया था उसको प्लस कर दिया, निकल गया ओपनिंग कैपिटल, काम खत्म हो गया, फटाफट आगे बढ़ेंगे। हमें अब इस गलती को सुधारना जो गलती हमने किया बच्चे आपका। सर एक ही सांस में सारे बोल जाओगे? हाँ बच्चे हाँ, आज तो मैं पूरे एक सांस में पूरी क्लास को निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ जरा, मैंने अब कुछ नहीं करना, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब आप लिख रहे हैं यहाँ पे, सर जगह मुझे इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, जगह इतने में हो नहीं पाएगा, मुझे काम करना पड़ेगा आपके लिए। अब आप पहले इतनी कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, मुझे ये जगह चाहिए आपके लिए, मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए बच्चे। आप इसको मिटा लो, मुझे यहाँ पे यूज करना है। ध्यान रखना, जब पूछूं मैं आपसे कि बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना, तो आप कहना 4 लाख रुपये ए का है, बी का 3 लाख, सी का 1.5 लाख, ना कहना 3 लाख रुपये ए का, वो तो क्लोजिंग था। ओपनिंग 4.5 लाख रुपए दिख रहा है आपको ना? सर हाँ जी, ये लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ। हमने स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकल गया, 4, 3 और 1.5, यही था ना बच्चे? तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको अलग से लिख दूँ मैं, ताकि मेरे ध्यान में रहे जी ए बी सी का। सर हम भी लिखे? नहीं बच्चे, आपको थोड़ा लिखना है, आपके पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है जी। ए का कैपिटल 4 लाख रुपये, 4 ही था ना? नहीं सर, 4 थोड़े था, 2 लाख रुपये था ए का कैपिटल, 2 लाख रुपए। बी का कितना था जी? सर 3 लाख रुपए आपका, ठीक है। आप बताओ सी का कितना था? सर 1.5 लाख रुपए, यही तो निकाला था ना अभी हमने। हाँ, मुझे जगह बड़ा चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने जगह आपका बनाया है, जगह बनाया हमने, ठीक है ना। आज जरा मैं शुरू करता हूँ, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा एक बार देखते हैं हम लोग। लिखे मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग, मार्कर आज भी ठीक नहीं है जी, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ यहां पे अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। एक तो मेरी हैंडराइटिंग खुद गंदी है, और मैं कितनी कोशिश करता हूं कि साफ साफ लिखूं, लेकिन ये लोग जो हैं बदमाशी करते हैं, ये मुझे अच्छा मार्कर देते नहीं, मैं क्या करूं जरा बताओ। अब मेरी हैंडराइटिंग को दोष ना देना, लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो ए का नाम है जी, एक तो नाम बी का है, एक तो नाम सी का है, 3 लोग हैं। थोड़ा और जगह बना लूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, थोड़ा जगह और मिल जाएगा कुछ लिखने के लिए हमारे पास, ठीक है। आओ जरा देखते हैं कि करेक्टली अगर प्रॉफिट जो डिवाइड होता वो कैसे मिलता। तो सर करेक्टली एक तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, जरा बताओ कितना, 10% आपका। तो बताओ 2 लाख का 10% कितना होता है? सर 20,000। आप बताओ 3 लाख का 10% कितना होता है? सर 30,000। अच्छा बताओ 150 का 10% कितना होता है? सर 15,000। तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल आपका, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके बाद देखो आपने सैलरी देना था। सर ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट भी तो है? हाँ बच्चे, पहले देने वाली बात कर लेंगे फिर लेने वाली बात कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात। ए को सैलरी 20,000 का अमाउंट मिलना था, और बी को सैलरी यहाँ पे 30,000 का अमाउंट मिलना था, इनके पास कोई सैलरी है ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप इसमें क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% के हिसाब से, ध्यान रखना पर एनम नहीं है बच्चे यहाँ पे, अगर पर एनम ना हो तो फ्लैट चार्ज करते हैं फ्लैट। तो आप देखो 1 लाख रुपये का 5% यानी कि 5,000 रुपये का अमाउंट हमने चार्ज किया। बी पे भी आपका यहाँ पे 5,000 रुपये का अमाउंट निकल के आ गया, और देखो सी पे आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा जरा बताओ कितना, सर 7,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, 7,500 रुपये का अमाउंट, यही हुआ ना सर। हाँ लो नया मार्कर आ गया शायद, देखते हैं इस पर क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। आप मुझे बताओ ये अमाउंट कितना बन गया जी यहाँ पे आपका, देखो 20 और 20, 40 माइनस ये 35,000 इनको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट मिला था, ये दोनों इनको मिलना था जी, और ये माइनस करना था, ये मिलना था ये माइनस करना था, ये मिलना था और ये माइनस करना था। इनका कितना हो गया सर 65,000, इनका कितना हो गया 7,500। आप मुझे बताओ ये तीनों मिला के अमाउंट कितना बन गया आपका, मार्कर नहीं चल रहा अभी भी, तीनों अमाउंट मिलकर कितना आपका हो गया जरा चेक करना यहाँ पे जी। तो सर 65,35, 1 लाख और ये हो गया बच्चे आपका 1,07,500 रुपये का अमाउंट आपका, यही हुआ ना सर। हाँ जी, तो देखो ये जो 1,07,500 रुपये इनको ऐसे मिलना था,
आउट ऑफ 6 लाख का जो प्रॉफिट है, उस 6 लाख रुपए में से इतना इनको देने के बाद जो भी बच जाता, जो भी बच जाता उनको हमें यहाँ पे 2:2:1 में डिवाइड करना था। यानी कि इसके बाद जो आपका बैलेंस प्रॉफिट बचता, बैलेंस प्रॉफिट आपका, वो मुझे इनके बीच में देना था जी 2:2:1 के रेशियो में। गलत तो नहीं बोल रहा मुझे? नहीं सर, आप बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हो। हमें पता है अगर फर्म ने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है और 6 लाख में से अगर इतना अमाउंट 1,07,500 रुपए अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज इंटरेस्ट सैलरी और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो बाकी जो अमाउंट बच गया, बाकी 4,92,500, ये पैसा 2:2:1 में डिवाइड होना था। तो आप जरा बताओ डिवाइड में 5:2 कितना निकल के आ गया? ये हो गया सर 1,97,000 का अमाउंट आपका। ये रहा, इनको भी अमाउंट मिलना था 1,97,000 का अमाउंट आपका, और यहाँ कितना जी? तो सर ये होना था 98,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। तो चलो बताओ ये टोटल अमाउंट कितना मिल गया आपका? ये हो गया 4,92,500। मेरे बच्चे 6 लाख रुपए का जो अमाउंट आपका है, जो 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, ये 6 लाख रुपये हमें जो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो ऐसे ऐसे करना था आपका। जरा बताओ अगर ये सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता तो मुझे बताइए कि ए को टोटल कितना मिलता? सर ये प्लस ये, आप बताओ ना कितना हुआ? सर आप खुद निकाल लो ना। लो फिर निकालता हूँ 3,32,000। आप पे डिपेंडेंट थोड़े हो बच्चे, मुझे खुद आता, मैं निकाल लूँगा। फिर भी एक बार चेक करता हूँ कहीं गलत तो नहीं कर दिया ज़्यादा जोश में आके। नहीं सर, आप गलती कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? लो कर ही दिया, लो कर ही दिया बच्चे। अरे 3,32 थोड़े ही यहाँ पे, ये तो 2,32 आ रहा बच्चे, 2,32,000 का अमाउंट। ओहो चलो कोई बात नहीं, यहाँ चेक करते बी का कितना। तो 1,97,000 प्लस आपका 65,000 का अमाउंट, ये हो गया 2,62,000 का अमाउंट आपका बी का निकल के आ गया। एक बार सी का चेक करता हूँ, 7,500 प्लस आपका 98,500, ये हो गया बच्चे 1,06,000 का अमाउंट आपका 1,06। और तीनों अमाउंट जरा चेक करना कितना निकल के आ गया जी। ये आपका तीनों मिलके अमाउंट जरा बताओ कितना बनना चाहिए? तो सर ये 6 लाख ही तो बनना चाहिए। हाँ बच्चे हाँ, 6 लाख ही तो बनना चाहिए, क्योंकि 6 लाख का जो अमाउंट है वो 6 लाख रुपए यहाँ पे ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता, ये मिलना था। यानी कि आउट ऑफ 6 लाख ए को इंटरेस्ट सैलरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट मिला के इतना अमाउंट मिलना था, बी को इतना, सी को इतना। लेकिन आपने क्या कर दिया? बहुत बड़ा पाप, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया बच्चे। रॉन्गली आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड आपका इक्वली सारा प्रॉफिट आपने क्या किया? इक्वली डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं दिया आपने, ना तो वो, नहीं वो, और नहीं वो बच्चे आपने। तो 6 लाख का जो प्रॉफिट था उस पूरे प्रॉफिट को आपने क्या किया? इक्वली डिवाइड कर दिया। मुझे बताओ फिर कितना कितना निकल के आएगा? सर 2 लाख रुपए का अमाउंट यहां, 2 लाख का प्रॉफिट आपका यहां, और 2 लाख का ही प्रॉफिट आपका यहाँ। हमने क्या किया? इक्वली तीनों में डिवाइड कर दिया। तो आओ अब तो काम खत्म हो गया, चेक कर लो मेरे साथ क्या होना था, क्या हो गया। ये देखो आप, ए को 2,32 मिलना था बच्चे, करेक्टली इतना अमाउंट मिलना था 2,32,000 रुपये, लेकिन आपने उनको 2 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 लाख ही दिया। तो बताओ ए को अब आप क्या करोगे? तो सर इनको हम 32,000 और दे देंगे। अगर मैं 32,000 इनको दे दूँ तो काम बन जाएगा यहाँ पे जी। 2,32,000 टोटल मिलना था, देख रहे हो आप, टोटल अमाउंट आपको इतना मिलना था, इतना ही मिला तो ठीक है और दे दूंगा। आपको तो 2,62,000 मिलना था, 2 लाख से मिला तो कोई बात नहीं, आपको भी मैं क्या करूंगा 62,000 यहाँ पे दे दूंगा। और देखो ना, सी को 1,06,000 रुपये मिलना था बच्चे, लेकिन आपने 2 लाख रुपये दे दिया, तो फिर मैं क्या करूँ? ले लूँगा इनसे, ले लूँगा। जरा बताओ कितना ले लूँ मैं? 94,000 का अमाउंट आपका, 94,000, खत्म हो गई बात। लो अब मैं पास करता हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री आपका, एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे जी? आप एक काम करो, सी के अकाउंट से निकालना है तो सीज कैपिटल अकाउंट आप यहाँ डेबिट कर देंगे। सीज कैपिटल डेबिट किया आपने 94,000, और आपने क्या करना है, ये एज कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट में, और आपने बीज कैपिटल अकाउंट में इसको हमें क्या करना, ऐड कर देना बच्चे आपका, ऐड कर देना यहाँ पे। एक बार चेक करता हूँ कितना कितना आपका। तो चलो बताओ ए में कितना हो गया? सर 32,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे। बी में कितना हो गया? सर 62,000 का अमाउंट आपका। तो ये काम खत्म हो गया बच्चे आपका, सी टू ए बी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर समझ में आ रही है, कॉपी कर लो इसको आप।
आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ था, आंसर ये हो गया। आप कहो तो मैं इधर मिटा दूँ। सर हाँ सर, आप इसको मिटा सकते हो। ये लो मैंने मिटा दिया, ये लो मैंने मिटा दिया। आप इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। आप इसकी कॉपी कर लो। हो गया कॉपी बच्चों? अरे हो गया कॉपी सर? हाँ जी सर हो गया। आप आगे बढ़ो ना, ये सब तो हमने लिख लिया। लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ये लो मैं इसको मिटाता हूँ, और आपने कहा कि हो गया इसलिए मैं इसको भी मिटाता हूँ। जो होना था और जो हो गया, बस उसमें काम करो और पूरा अपने काम को ख़त्म करो। यहाँ पे लो हमने काम पूरा किया, इसको भी मिटा दिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जो टॉपिक अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये शायद आपको समझ में ना आए बच्चे। अब परेशानी मेरी ये है कि मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ, लेकिन जो आपके प्यारे प्यारे चेहरे मुझे दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आप बड़े छोटे बच्चे हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ यहाँ पे। या तो उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, जैसे बाकी बच्चे छोड़ते हैं जी, क्यों यार वो समझ में नहीं आएगा, कौन टेंशन लेगा। या फिर उसको हम रट लेते हैं, जैसे बाकी बच्चे रटते हैं। नहीं सर हम वो भी नहीं करना चाहते। नहीं सर हम वो भी नहीं, हो गया ठीक आपका? नहीं सर हम वो भी नहीं करना चाहते। आप हमें समझा दो ना, हम समझ लेंगे। तो ठीक है बच्चे, मैं एक प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। आप जरा सुनना ध्यान से मेरी बात, लिखना बंद करेंगे, आप लिखना बंद करेंगे, मेरी बात सुन लो। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट अपना समय मुझे दे दो, मैं आपको ये टॉपिक भी समझा दूंगा, और ऐसे समझाऊंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। सुनो टॉपिक क्या है, लो मैं लिखता हूँ, आप लिखना बंद करना। मैं काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल रेडी करता हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आप अभी लिखना बंद कर दो, मैं आपको समय दूंगा, आप मुझे, मैं आपको समय दूंगा, आप लिखना बंद कर दो, पहले पूरी बात सुन लो फिर लिखना शुरू करना, ठीक है ना सर? हाँ जी आप बताओ क्या करना चाहते हो। लो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। कह रहा कि होना क्या था कि मान लो ए और बी दो ही पार्टनर, इनका जो कैपिटल है बच्चे, चलो मैं उसको फिक्स कर देता हूँ, मतलब कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर खत्म कर दिया मैंने। कहता कि कैपिटल जो आपका ए का है वो मान लो आपका यहाँ पे 3 लाख रुपए, और बी का कैपिटल 2 लाख, फिक्स है बच्चे, नो चेंज, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आपका सेम। फिर कहता है क्वेश्चन में कि जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो इनके बीच में है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनको देना था, वो कहता है कि 10% के हिसाब से, 10% आपका। और फिर जो प्रॉफिट रेशियो था, प्रॉफिट रेशियो बच्चे इनके बीच का, वो 1:1 था, यानी कि इक्वली, ये एग्रीमेंट था, इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। आप देख रहे हैं मुझे सर? हाँ जी। तो मुझे मत देखो, आप बोर्ड को देखो। कैपिटल कहता है कि 3 लाख 2 लाख रुपए, इनके बीच में एग्रीमेंट यानी कि जो डिड है, उस डिड के मुताबिक क्या बोला गया है जी, कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, रॉन्गली उन्होंने क्या किया, आप लिख रहे ना मेरे साथ, आप मेरे साथ लिख रहे ना? नहीं सर आपने मना किया था। कहां मना किया था? अरे आप मेरी बातें हमेशा क्यों मान जाते हो? आप लिखो तो पहले, लिखो तो मैंने क्या लिखाया, मैंने क्वेश्चन जो क्रिएट कर लिया। आप सोचना क्या है, कैपिटल कह दिया कि फिक्स्ड है आपका 3 लाख 2 लाख, फिक्स कहने का मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आपका सेम, टेंशन की बात खत्म। तो कैपिटल आपका ये एग्रीमेंट है, यानी कि डिड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। लेकिन आपने रॉन्गली क्या करता है, रॉन्गली कहता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया तो बच्चे, लेकिन बताओ एग्रीमेंट कितने का था सर? 10% का। लेकिन कहता कि रॉन्गली आपने क्या किया, इनको 8% इंटरेस्ट दे दिया। लो हो गए ना गलती। अभी तक गलती क्या हुई थी याद है आपको? अभी तक जितने सारे क्वेश्चन किया था उसमें गलती सिर्फ इतना हुआ था कि इंटरेस्ट देना ही भूल गए, कुछ नहीं दिया था। लेकिन इस बार कहता है कि इंटरेस्ट आपने दिया तो है, लेकिन इंटरेस्ट आपने 10% नहीं, कितना दिया आपने? 8% दिया बच्चे, 8% दे दिया। ओहो
सर इसका मतलब क्या, मतलब छोड़ो ना, इंटरेस्ट कहता कि 8%, या बस क्वेश्चन सुनो आप, और कहता कि 8% देने के बाद जो आपका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट क्या क्या आपने वो रेशियो में ही डिवाइड किया, यानी कि 1:1 आपका रेशियो आपने क्या क्या 1:1 ही किया। मेरी बात सुन आ रही है सर? हाँ, यानी कि आप देखो मैंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन रेडी किया, बोलता है कि कैपिटल आपका 3 लाख 2 लाख रुपए, एग्रीमेंट के मुताबिक इंटरेस्ट देना था 10% के हिसाब से, और प्रॉफिट को हमें इक्वली डिवाइड करना था, लेकिन रॉन्गली हमने क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया 8% के हिसाब से, और फिर आपने रेशियो सही है 1:1 आपका। अब देखो क्या हो गया, क्या होना था, ये लो याद रखना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल पेशेंस वाइज मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। मैंने क्या किया, आपने लिख लिया होगा इस चीज को सर? हाँ, बोलता है कि आप एक काम करो, पास एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि ये जो गलती हो गया आप उस गलती को सुधारो, एडजस्टमेंट एंट्री आपका। मैं समय लूंगा बच्चे समझाने में, फिर मैं आपको इसके आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत फास्ट कराऊंगा। ये लीजिए आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे सॉल्यूशन में, पहले मैं काम करूं कि ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं इसको बनाता करेक्टली तो फिर क्या होता, आइए मैं आपको यहाँ दिखाऊं करेक्टली क्या होता बच्चे, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जरा बताओ प्रॉफिट कितना कमाया हमने, प्रॉफिट आपका सर वो तो लिखा नहीं है, तो लिख लो, इसमें झगड़ा क्या करना, झगड़ा प्रॉफिट का है नहीं, झगड़ा तो गलती सुधारने का है। मान लो कहता है कि इनका यहाँ पे सपोज दैट 1 लाख का प्रॉफिट आपका है, 1 लाख का प्रॉफिट बच्चे आपका, 1 लाख इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो देखो करेक्टली क्या करते हैं, आप बोल रहे हैं कि यार जो नेट प्रॉफिट आपका हुआ था, नेट प्रॉफिट आपका वो अमाउंट 1 लाख का था, 1 लाख का अमाउंट। आप देखो करेक्टली अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बताइए जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आता आपका सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलता, बी को मिलता, और हाँ कैपिटल फिक्स्ड है तो ए के करंट अकाउंट में जाता और बी के भी करंट अकाउंट में जाता, आप बताओ कितना? तो सर ये 10% ऑफ 3 लाख, ये हो गया 30,000 का अमाउंट आपका, और आपका 10% ऑफ 2 लाख, ये कितना आपका हो गया 20,000 का अमाउंट। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट यहाँ कितना मिलता आपको, 50,000 का अमाउंट। बात समझ आ रही सर? हाँ, 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए एज इंटरेस्ट इनको मिलता, और फिर आप क्या करते, ट्रांसफर करते किसको जी? एक तो एज करंट अकाउंट में, और दूसरा बी के करंट अकाउंट में। जरा बताओ 1 में 50 गया, कितना बच गया? 50,000 रुपए का अमाउंट। अब बताओ कितना जी रेशियो सर? इक्वली है, यानी कि 25,000 आपको और 25,000 आपको, ये होना था बच्चे, मैंने लिख दिया ये होना था, लेकिन आपने जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, लो लिख दिया ब्रैकेट में रॉन्गली। मैं समझा रहा हूं बच्चे ताकि आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आप इसको रटो ना, फिर तो हमेशा हम दौड़ लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जी। ये हमने क्या किया, यहां पर हमने स्टार्ट किया, हमने कहा कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट कहता है कि 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, वो प्रॉफिट आपका 1 लाख का अमाउंट है, ठीक है ना सर? हाँ जी। अब देखो 1 लाख में से आप यहां क्या करते, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप यहां पे क्या करते जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया। आप बताओ जो आपने दिया है, इसको मैं यहां पे बंद कर लू जी आपका, ताकि आप बाद में परेशान ना हो। ये देखो रॉन्गली जो आपने इंटरेस्ट दे दिया, कितना दे दिया आपने, 8%, यानी कि आपने क्या किया, इंटरेस्ट जहां 10% आपने देना था वो ए और बी के करंट अकाउंट में आपने क्या किया, 8% दे दिया। 3 लाख रुपए का 8% कितना होता है सर? 24,000, ठीक है। आप बताओ 8% 2 लाख का कितना होगा सर? 16,000। तो बताइए टोटल कितना हो गया, 40,000 रुपीज का अमाउंट आपका। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। तो 1 लाख में से 40,000 रुपए क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया। इस 40,000 रुपए इंटरेस्ट देने के बाद आप कहते हैं कि जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपने क्या किया जी, ये लिखा आपने एज करंट अकाउंट में और आपने बीज करंट अकाउंट में आपने यहां पे दे दिया। बताओ 1 में 40 गया, कितना बच गया सर? 60,000 का अमाउंट आपका। आप बताओ कितना कितना होगा सर? रेशियो तो इक्वली है, तो 30 आपने इनको दे दिया और 30 आपने क्या क्या इनको दे दिया, अमाउंट आपका 60 दोनों से टैली करके आपका। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो सर, पहले आप इसकी कॉपी कर लो, मुझे बहुत समझाना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
आप इसे कॉपी कर लो, ये आपका करेक्टली है जी। अगर 1 लाख रुपए सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता तो 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता बच्चे, उस 50 में 30 आपको 20 आपको मिलता और बाकी 50,000 ही इनके बीच में हम क्या करते हैं रेशियो में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो गलती से हो गया उसमें से 1 लाख में से 40,000 का जो अमाउंट है हमने एज इंटरेस्ट डिवाइड कर दिया, अब 40 में इतना इतना और बाकी आपका रेशियो में आपका ठीक है सर। हाँ अब कहता कि आप इस गलती को सुधारो। कैसे सुधारू मैं इस गलती को यार, क्या सुधारू मैं, क्या करूं मैं सर, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। आप देख लो कितना कितना मिलना था, कितना कितना मिला, काम खत्म हो गया। मतलब कुछ ऐसा जी, लो मैं आपको इसको समझाता हूं। एक तो पहले लंबे तरीके से, फिर एक शॉर्ट तरीका आपका। मैं थोड़ा जगह बना लूं, अब बुरा ना मानो तो बना लो सर, बना लो। तो मैं इसको थोड़ा यहां पे मिटा के जगह बनाऊंगा, मुझे जगह बहुत चाहिए होता है साफ साफ लिखने के लिए। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी ही गंदी है, छोटे छोटे लिखूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया जी, अमाउंट लिखा आपका, अमाउंट लिखा आपका, ठीक है ना, ये आपका हो गया। आओ जरा मैं इस गलती को सुधारता हूँ। तो आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट, लिखेंगे आप यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट फॉर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए आप यहां पे क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अमाउंट निकालना है सर, ये कोई बड़ा क्वेश्चन तो हमें नहीं लग रहा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन तो आपने कई बार कराया है। हाँ बच्चे हाँ, बड़ा नहीं है, बट एक ट्रिक आएगा वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, मैं वही खत्म करना चाहता हूँ सिंपल तरीके से। ये लीजिए, पहले बताओ अगर आप करेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते करेक्टली तो क्या क्या होता जी। सर करेक्टली एक तो इंटरेस्ट इनको दिया जाता, तो आप मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको मिलता वो कितना कितना मिलता। सर ए को 30,000 ये लिखा हमने, ए को 30,000, बी को कितना 20,000 का अमाउंट आपका, ठीक है। और जरा बताओ प्रॉफिट जो मिलता जी, शेयर इन प्रॉफिट वो कितना कितना मिलता। सर प्रॉफिट में जो शेयर मिलता प्रॉफिट में आपका वो 25-25 आपका, तो 25,000 इनको मिलता और 25,000 इनको मिलता। तो जरा बताओ करेक्टली ये कितना होता ए का, सर 55,000, ठीक है। इनका कितना 45,000। हाँ बच्चे ठीक बोला आपने, 1 लाख का प्रॉफिट जो आपका है अगर प्रॉपर तरीके से डिवाइड होता, 10% इंटरेस्ट देते और फिर जो बचता उसको प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करते तो फिर इतना इतना इनको अमाउंट मिलता। लेकिन रॉन्गली आपने क्या कर दिया, रॉन्गली कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया तो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट कम कर दिया, ए को 24 बी को 16। ओहो, ए को मिल गया 24,000, बी को मिल गया 16,000। मेरी बात समझो, ए को इंटरेस्ट 30 मिलना था 24 दे दिया, बी को इंटरेस्ट 20 मिलना था आपने 16 दे दिया, और फिर जो प्रॉफिट बच गया वो शेयर इन प्रॉफिट आपने क्या किया जी, डिवाइड कर दिया इनके बीच में इक्वली, और कितना कितना 30-30 सामने दिख रहा सब कुछ। अब जो प्रत्यक्ष है उसको मैं क्या दिखाऊं, आप खुद ही देख रहे हैं 30,000 30,000, जो प्रत्यक्ष है उसको क्या प्रमाण देना बच्चे, देख रहे हो ना ये हो रहा था ये हो गया आपका। तो मुझे बताओ जरा कि ए को फिर कितना मिल गया, सर 54,000 का अमाउंट मिल गया यहाँ पे आपका। बी को कितना मिल गया, सर ये 30+ ये इनको 46,000 का अमाउंट मिल गया आपको, ये हो गया बच्चे, ये होना था। लेकिन जो आपने गलती किया उसे ये हो गया, बोलता कि आप इसको सुधार लो। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी बड़ी बात है यार, आओ सुधार लेता हूँ। जरा बताओ करेक्टली ए को कितना मिलना था, सर 55,000 रुपये, 55,000 मिला कितना 54, इनको 55 मिलना था 54 मिला, बताओ कम मिला कि ज़्यादा मिला। सर इनको तो कम मिला, तो दे दो ना 1,000 रुपये, क्या झगड़ा करना, क्यों आप उसको रुलाते हो। अगर 55 इसको मिलना था 54 ही आपने दिया तो 1,000 दिया तो चुप हो जाएगा वो बेचारा, नहीं रोएगा, दुख उसके खत्म हो जाएंगे। बी का देख लो 45 मिलना था, आपने कितना दे दिया 46, ज्यादा दे दिया। ये हंस रहा बच्चे, चुप कराओ इसकी हंसी, आप क्या करो इसके अकाउंट से 1,000 रुपये निकाल लो, जितना वो हंस रहा था ना गलत तरीके से सारा खत्म हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपको 45 मिलना था, अगर हमने गलती से 46 दे दिया तो 1,000 रुपये क्या करूंगा आपसे निकाल लूंगा। और क्या करना जी, इसी के हमें एंट्री पास करना है। मुझे कोई बताएगा एंट्री क्या बनेगा, हाँ सर क्यों नहीं,
बी के करंट अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो क्योंकि कैपिटल आपका फिक्स्ड है, बी करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपने क्या करना जी, इसको ए के करंट अकाउंट में लेके यहाँ पे ऐड कर देना आपका 1000 रुपये का अमाउंट। काम खत्म हो गया, काम खत्म। आप इसकी कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो। ठीक है सर, सर समझ में नहीं आ रहा, आप जब इस क्वेश्चन को कराने स्टार्ट किए थे तो आपने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे कि हमें समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं क्या परेशानी हो रही है, ये होगा वो होगा। लेकिन सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या इसमें ऐसा कि जो मुझे समझ में नहीं आएगा? ये तो बहुत सिंपल है सर, आपका बहुत सिंपल है। आप मजाक करते हो सर, ना बच्चे ना, मजाक नहीं करता। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बार आप लिखते भी रहो, लिखते भी रहो जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार आप जरा बाहर में जाके किसी बच्चे से पूछना कि ये क्वेश्चन क्या है जी, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, वो भाग जाएगा, वो आपसे दोस्ती तोड़ लगा कि फिर से कई सवाल है मुझसे ना पूछ ले, फिर से मेरे यहाँ पे मतलब मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक टफ चीज़ को एक सिंपल तरीके से आपको बताया है, आपको दिखाता हूँ उसमें क्या पॉइंट निकल के आएगा। पहले आप यहाँ तक कॉपी करो सर। हो गया सर, हो गया, और हम तैयार भी हैं। आप बताओ क्या टफ क्या सिंपल, क्या बोलना चाहते हो? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ जगह लूँगा, मैं इस एंट्री को मिटाऊँगा। मिटा दो सर, हाँ मिटा लो, ये लो हमने मिटा लिया। ये 1000 रुपये का जो अमाउंट है थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ था जी प्लस 1000, थोड़ा और छोटा कर लो, 54,000 का अमाउंट था। आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना, हमें इतने ही छोटे जगह में सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे प्लस 1000 था आपका और यहाँ पे माइनस 1000 था, उसी के हमने एंट्री पास की थी। अब जगह थोड़ा सा हमारे पास बन गया। लो मैंने आपको क्या किया, ये जो आपका किया ये कह दिया मेथड वन। एक तरीका तो हमारे पास ये है जी, मेथड वन, और एक तरीका मैं आपको देता हूँ यहाँ पे मेथड टू। मेथड टू जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू बी फॉलोड, फॉलोड इन एग्जाम, एग्जाम में हम यही काम करेंगे, यानी कि आगे आने वाले प्रश्नों में हम इसी तरीके से काम करेंगे। बच्चे आपको अच्छा लगेगा। सर बताओ क्या करेंगे, स्लो, बिल्कुल दिमाग शांत, शांत कर लो दिमाग को, भूल जाओ दुनिया में कोई और है आपके और मेरे सिवाय, भूल जाओ कोई लाइफ में और कोई टेंशन भी है, टेंशन आपके सिर्फ मैं हूं और बस आप हो और दूसरा कोई टेंशन भी नहीं है, और हमें एक दूसरे को झेलना है। बच्चे मैं जो बोलता हूं बस मेरे साथ दिमाग चलाना, दिमाग में इफ और मत आने देना बस। ठीक है सर बताओ, ये लो यहां देखो, मुझे बताओ इंटरेस्ट इनको कितना मिलना था सर? 10%, 10% इंटरेस्ट मिलना था। आपने इंटरेस्ट कितना दे दिया? 8%, आपने 8% दे दिया। अच्छा अच्छा, अब इसका इंपैक्ट यहां देखो, आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 50,000 का अमाउंट इनको देना था एज इंटरेस्ट, 50,000 रुपये इनके बीच में डिवाइड करना था, लेकिन आपने 50,000 के जगह पे आपने एज इंटरेस्ट कितना डिवाइड किया? सिर्फ 40,000। एक मिनट, इंटरेस्ट इनको 50,000 रुपये मिलना था जी दोनों को मिलाकर। आप देख रहे हैं इंटरेस्ट का रेशियो अलग होता है, प्रॉफिट का रेशियो अलग होता है, ये तो बात पता है ना, क्योंकि उसका अलग है इसका अलग है जी। हाँ जी सर आगे बढ़ो। मैंने कहा कि इनको इंटरेस्ट 50,000 मिलना था, लेकिन एज इंटरेस्ट आपने 40,000 ही दिया, तो बताओ ना इंटरेस्ट के रूप में अगर 50,000 रुपये इनको मिलना था और आपने 40,000 ही इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट आपने कितना कम दिया? इंटरेस्ट के रूप में इनको 50 मिलने थे लेकिन एज इंटरेस्ट आपने 40 ही डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जरा बताओ कि आपने इंटरेस्ट इनको कितना कम दिया? सर 10,000। हाँ आपने खुद कहा 50 के जगह पे आपने 40, यानी कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है बचे आपने 10,000 कम दिया, इंटरेस्ट आपने 10,000 कम दिया, याद रखना इंटरेस्ट आपने 10,000 कम दिया है। अगर आपने 40,000 ही इंटरेस्ट दिया जबकि 50 देना था तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट आपने कम दिया। अलग करो इसको आप, आ जाओ दूसरी तरफ, जरा बताओ अगर मैं इंटरेस्ट 10,000 कम दूंगा, अगर मैं इंटरेस्ट 10,000 कम दूंगा तो जरा मुझे बताइए कि फिर वो 10,000 जो इंटरेस्ट कम दिया वो कहां जाके ऐड हो गया? सर ऊपर में कुछ भी कम दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दिख भी रहा मुझे। आप देखो 50,000 एज प्रॉफिट यहां डिवाइड होना था करेक्टली, यहां प्रॉफिट कैसे कितना डिवाइड होता 50,000 रुपये, लेकिन आपने प्रॉफिट के रूप में आपने कितना डिवाइड कर दिया 60। ये देखो जहां 50 आपको प्रॉफिट डिवाइड होना था आपने वहां पे एज प्रॉफिट आपने कितना डिवाइड कर दिया 60 आपका यहां पे।
गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सर। और सर आप समझा क्यों रहे हो? ये तो हमें पता है यार कि अगर हमने कुछ भी एज इंटरेस्ट कम दे दिया, अगर हमने ऊपर में कुछ भी कम दे दिया, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट हमें रेशियो में डिवाइड करना है। हाँ बच्चे, आपने ठीक बोला, यानी कि अगर आपने 10,000 इंटरेस्ट कम दिया तो प्रॉफिट के रेशियो में जो अमाउंट डिवाइड हुआ है वो 10,000 आपका ज्यादा डिवाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं 10,000 यहां 50 था, यहां पे 60 डिवाइड हो गया। यही हुआ ना सर? हाँ सर, कहना क्या चाहते हो? आओ मैं कहता हूं, अब मैं कहता हूं, मैं आपको सेकंड तरीके पे डायरेक्टली लेकर आता हूं, टेंशन खत्म करो। लो, मैंने लिखा, एक तो नाम है ए का और एक नाम है बी का, दो लोग हैं यहां पे, ए एंड बी। मुझे बताओ कि इंटरेस्ट इनको 10% मिलना था, इंटरेस्ट 10% मिलना था, आपने इंटरेस्ट कितना दिया? 8%। अगर इंटरेस्ट 10% देना था पार्टनर्स को, लेकिन आपने इंटरेस्ट अगर 8% ही दिया, तो बताओ ना इंटरेस्ट कितना कम दिया। अगर इंटरेस्ट हमें 10% देना था, 10%, और आपने 8% ही दिया, तो बताओ इंटरेस्ट कितना कम दिया? सर 2%, 2% ही कम दिया ना बच्चे? सर हाँ। तो फिर एक काम करो, उस 2% से ही काम कर लो ना। क्यों मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करूं, क्यों इतने सारे काम करूं? मैं देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं करेक्टली, करेक्टली मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, मतलब हमें देना बच्चे एट द रेट ऑफ कितना जी, 2% आपका मोर, 2% और आपका। तो ये ए है और ये बी है। मैं कह रहा हूं कि करेक्टली क्या होता जी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड देना है 2% आपका मोर, 2% ज्यादा आपका देना है ना बच्चे। 8% ही तो दिया, 10% देना था, तो अगर 8 दिया और 10 देना था तो 2 और दे दो ना जो कम किया था आपने। वही कहा कि टू बी क्रेडिटेड दे। हाँ बच्चे यहां आइए, मैंने कहा कि ए बी आपने क्या किया था, 10% देना था, आपने 8% ही दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि 2% आपने कम दिया है ना। आप बोलना कि 2% करेक्टली हम क्या करेंगे और आपको दे देंगे, तो 6 + 4 मिलके टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 10,000 रुपीज, 10,000। ये वही 10,000 आ गया बच्चे जो आपने 10,000 कम इनको दिया था इंटरेस्ट के रूप में आपका। अब मुझे बताओ कि अगर ये 10,000 जो इनको 2% और मिलना था जो नहीं मिला, ये 10,000 आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? सर ये 10,000 इंटरेस्ट के रूप में मिलना था, अगर हमने इंटरेस्ट के रूप में नहीं डिवाइड किया तो ये पैसा प्रॉफिट में ऐड हो गया होगा। ये देखो आप 50 बढ़ के 60 हो चुका है, और वो पैसा भी इनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो गया होगा। तो करेक्टली आपको ऐसे मिलना था, रॉन्गली, रॉन्गली क्या हो चुका है जी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्गली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन प्रॉफिट रेशियो। ये 10,000 भी क्या हुआ जी, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो गया। ये देखो 50,000 ही तो इनको मिलना था प्रॉफिट के रेशियो में, लेकिन आपने 60 दे दिया बच्चे, 10,000 रुपये ज्यादा दे दिया है। उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सही कर रहे हैं आपका। और रेशियो क्या आपका है जी, 1:1 का आपका, 1:1 का। बताइए जरा कितना निकल के आ जाएगा? तो सर रेशियो आपका है जो, उसमें 5,000 रुपये आपको और 5,000 रुपये आपको मिल गया। तो लो काम खत्म हो गया बच्चे, हम इतना बड़ा काम क्यों करें, काम खत्म हो गया। आप देखो ए को करेक्टली 6,000 रुपये मिलना था, मिलना था ना सर? हाँ, लेकिन इनको मिला कितना, 5,000 रुपये आपका। आप बताओ ए को कम मिला कि ज़्यादा मिला? सर ए को 6 मिलना था, 5 मिला, तो इनको तो आपका कम मिल गया, 5 ही मिला, तो दे दो ना 1,000 रुपये, खुश हो जाएगा बेचारा, जितना मिलना था 1,000 रुपये आपका। और इनको देखो 4 मिलना था, 5 मिल गया, तो आप क्या करोगे, 1,000 रुपये इनके अकाउंट से निकाल लोगे, आपका काम खत्म आपका हो गया। तो आप देखो वही इम्पैक्ट आ गया जो इम्पैक्ट आपका यहाँ निकल के आया। अब मुझे क्या करना, एंट्री पास करना है, यहाँ पे एंट्री पास करना है। मैं क्या करूँगा जी, तो बी के कैपिटल अकाउंट से मैं यहाँ पे डेबिट कर लूँगा कितना अमाउंट आपका, 1,000 रुपये, सॉरी कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट से आप यहाँ क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे जी। और ये पैसा क्या करोगे, ए के करंट अकाउंट में जाके आप ऐड कर दोगे, 1,000 रुपये अमाउंट, काम खत्म हो गया, बात खत्म। यही बात निकल के आई ना बच्चे? सर हाँ, अब मुझे ये बताओ कि ये ज़्यादा सिंपल है कि ये ज़्यादा सिंपल है? सर दोनों सिंपल है, ठीक बोला। यहां पे हमने क्या किया जी, पूरे हिस्ट्री निकाल कर रख दी, कैसे होना था क्या हो गया। यहां पे हमने क्या किया, पूरे हिस्ट्री नहीं निकाली, हमने पता किया गलती कितने से हुआ है,
वो पता चला कि जहां पे 10% आपने इंटरेस्ट देना था आपने 8% इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट 2% कम दिया, तो वो 2% इंटरेस्ट देना सही था, हमें देना था बच्चे, हमने वही 2% इंटरेस्ट पता किया, आखिर अमाउंट कितना निकल गया। अगर हमने वो 2% इंटरेस्ट नहीं दिया जो सही था जो देना था, तो फिर वो पैसा प्रॉफिट में ऐड हो चुका है और प्रॉफिट रेशियो में हम क्या कर चुके हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आपका यहाँ पे, तो जो इतना इतना मिलना था ऐसे ऐसे मिल गया, हमने उसको सही किया, काम हमारा खत्म हो गया, यही काम निकल के आया ना सर। हाँ यही तो काम निकल के आया, हमने क्या किया उसको सही किया जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, खत्म हो गई बात। अब मुझे ये बताओ, मानता हूं कि दोनों ही मेथड सिंपल है, लेकिन बताओ टाइम सेविंग किसमें होगा? सर टाइम सेविंग तो इसमें होगा, हमें यहाँ पे पूरी इसकी इतिहास को जानने की जरूरत है ही नहीं, हमने यहाँ पे क्या किया जी फटाफट जितने से गलती वो पता किया, सही किया, काम खत्म किया। तो बताओ ना एग्जाम में टाइम सेव करोगे कि नहीं करोगे? सर करूंगा। तो बताओ बेस्ट तरीका कौन सा है? ये तरीका है, ये तरीका, इसको फॉलो करेंगे तभी तो लिखा था टू बी फॉलोड इन एग्जाम, आपका एग्जाम में ये तरीका फॉलो करेंगे आप, ध्यान देना ये बड़ा सिंपल बता रहा हूँ आपको, इससे अच्छा बेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता समझने का। तो आप एक बार समय लीजिए, देखिए कोई दिक्कत है तो मुझे बताए, नहीं सर इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर दिक्कत हो भी गई ना तो टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ आपके साथ, आपको दिक्कत होगी मुझे एक मैसेज कर देना, मेरा नंबर तो पता ही आपको 4x9 63 1597, अगर आपको कहीं परेशानी हुई तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ बच्चे, आप चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ अगर कोई ज़्यादा परेशानी हुई तो मैं आपको अपने पास बुलाऊँगा, मैं आपसे मिलूँगा और आपकी सारी परेशानी दूर करूँगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो परेशानी क्रिएट यहाँ पे हो ही नहीं सकती आपका। देखो आज मैं आपको और आगे लेके चलूंगा बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग एंट्री किए थे, आप याद करो हमने आपको आगे जो कराना था आज, वो हमारा टॉपिक आपका है बच्चे, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट्स आज हमारा टॉपिक शुरू होगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स का। ये भी टॉपिक हमने पहले आपके साथ डिस्कशन कर लिया है, कॉन्सेप्ट मैंने इसको बता दिया जी, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट आपका, हम इसको नाम देते हैं जी कभी कभी पास्ट एडजस्टमेंट्स का, मतलब पहले कुछ जो हमने काम किया अगर उनमें कोई गलतियां हो गई तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा उनके बारे में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जरा आइए यहाँ पे आप चेक करेंगे मेरे साथ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 10th, आप चेक करो बच्चे मेरे साथ सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th का, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th ध्यान देंगे क्या बता रहा, क्वेश्चन नंबर 10th, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स बनाने के बाद इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर 99, 2000 एंड 2001 इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड अपॉन द पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, ऑल्दो नो प्रोविजन इज मेड फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओहो ये क्या हुआ, कहता कि आपने 5% का इंटरेस्ट दे दिया बच्चे, जबकि ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, तो सोचो ना अगर हमने इंटरेस्ट दे दिया ये तो गलत हो गया, और इससे ये जो गलत हुआ बच्चे अगर ये इंटरेस्ट में ना देता तो वो पैसा प्रॉफिट के रूप में डिवाइड होना चाहिए था, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर हमने इंटरेस्ट दे दिया तो इंटरेस्ट देने से क्या हुआ जी कि आपने अगर इंटरेस्ट दे दिया तो वो गलत काम किया आपने, अगर वो इंटरेस्ट ना दिया गया होता तो सही तरीके से वो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड होता, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों, और ये गलती एक साल नहीं 3 साल तक आपने कर दी, 3 साल तक, आप देख रहे हो तीनों साल आपको बता भी रहा जी 99 में 2000 में एंड 2001 में कितने कितने की गलती हुई, हम इसको सुधार लेंगे, क्या करना होगा जी जो रॉन्गली हुआ पता कर लो, करेक्टली क्या होना चाहिए कर लो और काम खत्म करो, लेकिन अब क्वेश्चन ने बदमाशी किया थोड़ा क्वेश्चन लंबा करने के लिए और कुछ नहीं, तीनों साल का कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो वो अलग अलग आपका है, 99 में रेशियो कहता है कि आपका कुछ अलग है, 2000 में अलग है, 2001 में अलग है, बोलता बताओ क्या करेंगे, सीएमआई का क्वेश्चन है, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट, लिखेंगे आप यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो गलतियां हो चुकी हैं, जो हमने पाप कर दिया बच्चे, उस पाप को हम यहाँ पे सही करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं। अब देखो तीन पार्टनर हैं जी यहाँ पे, एक तो एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, आपका तीन पार्टनर है। पहले मैं 99 की बात करूँ,
तीन साल की गलतियां हैं, 99 में देखते हैं आपका। कहता है कि रॉन्गली आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। रॉन्गली आपने क्या किया बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। जरा बताओ कितना कितना। सर 99 में कहता है कि एक्स को 3250 का इंटरेस्ट हमने दे दिया, वाई को कितना जी 2100 रुपये, 2100 का इंटरेस्ट आपने दे दिया, और जेड को आपने 900 रुपये का इंटरेस्ट यहां पर दे दिया। तो मेरे बच्चे रॉन्गली आपने क्या किया, इतना इतना तीनों को आपने इंटरेस्ट दे दिया। रॉन्गली आपने क्या किया, इतना इतना इंटरेस्ट दे दिया। जरा बताओ टोटल अमाउंट कितना आपका हो गया यहां पे, ये हो गया 6250, ये दे दिया बच्चे। माइनस का मतलब हुआ अगर हमने इतना अमाउंट इनको दे दिया है तो मैं क्या करूंगा, ये अमाउंट उनके अकाउंट से निकाल लूंगा और करेक्टली इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्टली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। अरे हमने कहा कि अगर आपने पार्टनर्स को इतना इतना इंटरेस्ट दे दिया है, उनके अकाउंट में ऐड कर दिया तो माइनस कर लो, और अगर ये पैसा एज इंटरेस्ट नहीं देता तो ये पैसा एज आपका प्रॉफिट रेशियो डिवाइड होता है, इंटरेस्ट ना देता तो रेशियो में डिवाइड होता जी, कर दो उसको। रेशियो क्या बता रहा है देखो, 99 का रेशियो बता रहा है 532। आपने क्या किया जी, 532 में इसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आओ जरा 6250 रुपये डिवाइडेड बाई 10 इंटू आपको 5, ये हो गया आपका जी प्लस हुआ 3125 का अमाउंट, डिवाइडेड बाई 5 इंटू आपका 3, ये हो गया 1875 का अमाउंट। और जरा देखो यहाँ पे जी डिवाइड बाई 3 इंटू 2 आपका, ये हो गया बच्चे 1250 रुपये। कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था वही काम हो रहा है। हमने क्या किया, अगर इंटरेस्ट दे दिया है तो वो इंटरेस्ट हमने अकाउंट से आपका माइनस करके जी ऐसे ऐसे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अमाउंट भी कितना आ गया 6250, तो 6250 माइनस करके इतना दे दिया, तो अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट सही हो गया जी। फिर उसी तरीके से आपका 2000 ईयर में अगले साल फिर से आपने क्या किया है, रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया। तो जितना जितना इंटरेस्ट दिया उनके अकाउंट से माइनस कर लो जी, जरा बताओ कितना कितना है। तो सर कहता है कि इस साल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 3500 रुपये आपका एक्स का है, वाई का कहता है जी आपका यहाँ पे 2000 रुपये का अमाउंट है, और जेड का मेरे बच्चे कहता है कि आपका 1100 रुपये का अमाउंट है। तो आपने क्या किया, ये इनके अकाउंट से क्या किया हमने माइनस कर लिया। जरा बताओ अमाउंट कितना बन गया आपका यहाँ पे, सर ये हो गया 5600 रुपये आपका, सॉरी गलत किया, 6600 रुपये बच्चे, ये 6600 रुपये का अमाउंट हुआ। तो आप एक काम करो, जो दे दिया वो उनके अकाउंट से माइनस कर लो, और ये पैसा करेक्टली जो होना चाहे उसको दे दो जी, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। जरा बताओ प्रॉफिट रेशियो इनका ईयर 2000 में क्या निकल के आ रहा है, देखो जरा सर प्रॉफिट रेशियो जो इस बार आपका है 2000 में 2:2:1 है, तो ठीक है जी 2:2:1 में आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेशियो चेंज हो चुका बच्चे। बताओ कितना निकल के आएगा, सर 6600 का अमाउंट डिवाइड बाई 5 इंटू आपका 2, ये हो गया 2640। आप यहाँ क्या करें, 2640 का अमाउंट, यहाँ पे कितना जी 2640 का अमाउंट, और यहाँ कितना आपका डिवाइड बाई 2, ये हो गया बच्चे 1320 का अमाउंट। ये हमने क्या किया जी 6600 आपके अकाउंट से ऐसे ऐसे माइनस करके इस तरीके से हमने दे दिया। वैसे ही 2001 आपका 2001 देखें आप यहाँ पे 2001 में कहता है कि आपका जो रॉन्गली इंटरेस्ट दे दिया गया, तीन साल गलतियाँ कर दी आपने, पता नहीं कैसे लोग हैं तीन साल के बाद इनको गलतियाँ पता चले जी। रॉन्गली कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉन्गली जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जरा चेक करो कितना कितना हो गया जी रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका। तो सर 3600 रुपये इनका, इनके अकाउंट से 3600 रुपये दे दिया था, माइनस कर लो, इनके अकाउंट में आपका 2150 रुपये,
और इनके अकाउंट में मेरे बच्चे 1100 रुपये का अमाउंट आपका, तो बताओ कितना आ गया ये, 3600 प्लस आपका 2150 और प्लस आपका 1100, ये हो गया 6850 रुपये। आप इनके अकाउंट से माइनस कर दो और यही अमाउंट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जरा बताओ इस बार रेशियो क्या है जी? सर इस बार रेशियो आपका है 3:4:3, 3:4:3, तो बताओ कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 क्या इनटू आपका 3, ये आ गया 2055। यहाँ कितना जी, यहाँ कितना बच्चे, ये आ गया 2740 और यहाँ बताइए ये आ गया आपका 2055, ये आपने यहाँ पे प्लस कर दिया यानी कि 6850। तो बताओ जना यहाँ पे क्या हुआ अल्टीमेट इम्पैक्ट आपका, यहाँ पे अल्टीमेट जी आप चेक कर लो कि आप जब इनको प्लस माइनस करोगे तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया। अल्टीमेटली देखो एक्स के अकाउंट में 2530 माइनस हो रहा बच्चे, माइनस इनका बड़ा है, वाई में आपका 1005 प्लस हो रहा है और जेड में आपका 1525 यहां प्लस हो रहा आपका। तो आप चेक करो आप क्या करोगे जी, आपका जो एंट्री बनेगा यहां पे एक्सेज कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कीजिए 2530 टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट हो गया जी 1005 एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट कितना मेरे बच्चे, इसर हो गया 1525, खत्म हो गई बात आपका। इनके अकाउंट से हमें निकालने हैं, हमने डेबिट कर दिया, इनको देना जी, काम पूरा आपका हो गया। तो देखो तो कोई नया चीज थोड़े होगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जी, सिर्फ ये क्या करेगा थोड़ा लेंदी करेगा, आपको लेंदी करेगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बताओ क्वेश्चन में क्या दम है, कॉपी कर लो इसको, आप जल्दी से कॉपी कर लें, आप जल्दी से कॉपी कर लें। सर कर लिया हमने कॉपी, सर कर लिया हमने कॉपी, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर अगर आपने कॉपी कर लिया तो आओ जरा अगला क्वेश्चन कराऊं मैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आता है। 11th क्वेश्चन आपका, चेक कीजिए मेरे साथ, मैं इसको हटा दूं बच्चे, सर हाँ ये लो मैंने यहाँ पे हटा दिया। आप जरा आइए यहाँ पे, इसको मैंने हटा दिया जी। अब मैं 11th क्वेश्चन पे आता हूँ, चेक कीजिए क्वेश्चन क्या बता रहा है 11th क्वेश्चन, यहाँ पे 11th क्वेश्चन में ये कहता है एक्स वाई वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग रेशियो 3:2, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2000। वो कहता है कि एक्स वाई का कैपिटल है, ध्यान रखना एक्स का कैपिटल 30,000 रुपए बच्चे, वाई का 10,000 है, रिपीट कर रहा हूं 10,000 है, सही कर लगा गलती है तो वहां पे वाई का 10,000 बता रहा आपका, ड्रॉइंग्स कहता है कि एक्स एंड वाई का और अदर एसेट्स, यहाँ पे प्रॉफिट कहता है कि आपका फॉर द ईयर 2000 8,000 है, वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। हमने ये 8,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया इनके रेशियो में, लेकिन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड ड्रॉइंग्स पे 6%, कहता है कि ओमिटेड, भूल गए आप ये दो चीजें भूल गए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स पे आपका 6% के सबसे भूल गए। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी एडजस्ट मतलब सही करें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मे बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज फॉर 6 मंथ्स। वो कहता भैया आप एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ 6 महीने का निकालेंगे आप यहाँ पे, अच्छा ठीक है। अब देखो पहले मेरी बात सुनो, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके पहले आपका कॉन्सेप्ट में। देखो ये कैपिटल जरा बताओ ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? सर ये बैलेंस शीट अगर आपका एंड का है तो कैपिटल क्लोजिंग है मेरे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होगा जी, ओपनिंग कैपिटल को जानना है कि नहीं है? सर हाँ जी सर हाँ ये होगा। अच्छा जरा दूसरे सवाल का जवाब दो आप बताओ बैलेंस शीट में अगर ड्रॉइंग्स आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब होता है? जरा बताओ बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स दिखने का क्या मतलब होता है? देखो बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स दिखने का मतलब होता है बच्चे
कि साल के बीच में जो आपने ड्राइंग्स किया है वो ड्राइंग्स अभी कैपिटल जो आपका एंड में दिख रहा है उसमें से माइनस नहीं हुआ है बच्चे। अगर ये ड्राइंग्स माइनस हो गया होता ना तो फिर वो ड्राइंग्स आपके बैलेंस शीट में दोबारा ना दिखता। ड्राइंग्स अलग से दिखाने का मतलब है कि आपने क्या क्या है क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय उसको अभी तक माइनस नहीं किया है। तो आप सोचो अगर हमने ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते समय अगर ड्राइंग्स को हमने माइनस नहीं किया है तो क्लोजिंग से ओपन निकालते समय उसको ऐड भी नहीं करेंगे यार। मेरी बात समझ में आ रही है? ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिसको प्लस किया उसको माइनस करो, जिसको माइनस किया उसको प्लस करो, जिनको कुछ किया है नहीं उसको फिर क्यों करेंगे हम? मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में, आगे पढ़ो जरा बैलेंस शीट के बाद क्या बता रहा है। प्रॉफिट भी फॉर्म ने 8000 रुपये कमाया है, आप बताइए 8000 का प्रॉफिट कहीं बैलेंस शीट में दिख रहा है बच्चे? नहीं सर नहीं दिख रहा है। क्या मतलब निकल के आता है? अगर ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा इसका मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया है। अगर ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो चुका है तो ओपनिंग निकालते समय माइनस किया जाएगा। चलो शुरू करता हूं। पहले आप यहां लिखिए जी कंप्यूटेशन ऑफ, पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल जानना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ बच्चे ओपनिंग कैपिटल आपका। तो आओ जरा मैं आपके साथ यहां पे ओपनिंग कैपिटल को पहले पता करता हूं। ये लिखा नाम जी एक्स का और वाई का, कैपिटल क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है इसलिए आपने क्या किया जी, एक तो क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में दे रहा है वो लिखा आपने। क्लोजिंग कैपिटल जो आपका यहां पे है वो कितना बता रहा है, एक्स का 30,000 और वाई का कहता है कि आपका 10,000। ये क्लोजिंग कैपिटल आपका हो गया। अब देखो ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय ड्रॉइंग्स को आपने माइनस नहीं किया तो ऐड भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे प्रॉफिट जो इसमें ऐड हो चुका है उस प्रॉफिट को माइनस करना होगा। 8000 का प्रॉफिट है रेशियो 3:2, जरा बताओ अगर 8000 का प्रॉफिट और रेशियो 3:2 यानी कि 5:3 कितना हो गया आपका 4800, आप यहां से माइनस कीजिए, यहां कितना हो गया जी 3200 आपका। तो आप बताओ अब आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? अगर ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिसको प्लस किया उसको माइनस करना होता है, जिसको माइनस किया उसको प्लस करना होता है, तो मेरे बच्चे ये 25,200 रुपये का अमाउंट हो गया और ये कितना आ गया जी 6,800 रुपये का अमाउंट। ये ठीक है ना? बोलो ना ठीक है ना बच्चे? आप बोलते क्यों नहीं? हाँ सर हाँ, ये तो आपने पहले समझा दिया है, आगे बढ़ो। लो आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब मैं एक्स वाई में वही काम करूंगा जी। आप देखो कहता है कि इस बार इंटरेस्ट देना भूल गए तो फिर दे दो ना करेक्टली। करेक्टली जरा बताओ क्या होना था यहाँ पे? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना था, करेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। जरा बताओ करेक्टली वो इंटरेस्ट कितना मिलना था? सर वो इंटरेस्ट कहता है आपका यहाँ पे रेट जो है वो 5% है सर, 5% है। तो जरा बताओ 5% आपका 25,200 का कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट तो आप ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं 1260 रुपये, और जरा बताओ इसका कितना हो जाएगा जी 340 रुपये। ठीक है टोटल कितना हो गया 1600 रुपये आपका। तो 1600 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देना था और इनसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज भी करना था। कहता कि करेक्टली में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज भी करना था, जरा बताओ कितना? वो कहता कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको 6% चार्ज करना था 6 महीने का। तो 4000 रुपये ड्रॉइंग्स है जी आपका एक्स का, 6% रेट कहता है और 6 महीने का मेरे बच्चे ये आ गया 120 रुपये। 120 रुपये इनका कितना है जी आपका? इनका आ जाएगा बच्चों 60 रुपीज का अमाउंट आपका। टोटल कितना हो गया 180 रुपये का अमाउंट। तो जरा देखो यहाँ पे एक्स को कितना मिलना था, 1260 माइनस 120 ये हो गया 1140 रुपये। वाई को कितना मिलना था जी, 340 माइनस 60 ये हो गया 280 रुपये। मतलब नेट कितना हो गया, तो 1140 प्लस ये हो गया बच्चे 1420 रुपये। मेरी बात समझो, हमें इनको इतना इतना इंटरेस्ट देना था और इतना इतना इंटरेस्ट हमें उनसे चार्ज करना था, मतलब नेट हमें उनको इतना अमाउंट देना था। अगर ये अमाउंट हमने एज इंटरेस्ट नहीं दिया तो मेरे बच्चे ये अमाउंट भी एज प्रॉफिट लास्ट में डिवाइड हो गया होगा। मतलब ये अमाउंट जो इनको मिलना था रॉन्गली ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड
इन प्रॉफिट रेशियो, अगर ऊपर में कुछ भी गलती होता है तो इम्पैक्ट नीचे ही निकल के आता है जी। अगर हमने ये नहीं दिया तो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो गया, और रेशियो क्या बता रहा है यहाँ पे, रेशियो है जी 3:2 आपका, इन 3:2 बोलो कितना हो गया, तो 1420 रुपये इंटू 3 डिवाइड बाई 5 आपका ये आ गया बच्चे 852 रुपये। तो आपने क्या किया जी, 852 इनको दे दिया, और इनको कितना दे दिया आपने, 568 का अमाउंट आपका 568। ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो करेक्टली इनको ये मिलना था और ये मिलना था, लेकिन आपने उसको ऐसे ऐसे दे दिया है जी। तो जैसे जैसे दे दिया वो निकाल के ऐसे ऐसे दे दो आप, मतलब यहाँ देखो आप ऐसे समझो 1140 इनको मिलना था, ऐसे लो पहले इसको हटा के दिमाग में जी, पहले हटा के ले लो दिमाग में, 1140 इनको मिलना था, 852 ही इनको मिला है, तो और हमें देना पड़ेगा ना बच्चे। सर हाँ, 1140 मिलना था, 852 मिला है, तो इनको 288 हमें देना होगा, और इनसे 288 हमें लेना होगा, ऐसे भी समझ लो, या फिर जो करेक्टली है वो प्लस है जी, जो रॉन्गली हो गया वो माइनस आपका है, तो इनका प्लस बढ़ा है प्लस करेंगे, इनका माइनस बढ़ा है माइनस करेंगे। एंट्री क्या बन गया, एंट्री क्या बन गया, ये देखो आप एंट्री हो गया वाई के कैपिटल से माइनस कर रहे हैं, लिखिए एंट्री आप यहाँ पे, वाई इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट होगा 288, और ये आपने क्या किया जी, एक्स के कैपिटल में ऐड कर दिया, टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट 288 आपका, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, यही काम करना। तो यही तो है हमारा एडजस्टमेंट, इसमें कौन सी बड़ी बात है जरा बताओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया आपका ये टॉपिक भी यहाँ पे लेके ख़त्म किया आपका, इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ पढ़ना नहीं है, ये सारे टॉपिक्स आगे बड़े वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो मैं इसको हटाऊँ, हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट जो टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर में, वो भी हमने एंड किया, ये टॉपिक भी हमारा एंड हुआ, इसको मैंने मिटा दिया जी। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं, चेक कीजिए आप यहां पे। अगला आपका टॉपिक आ रहा है बच्चे, यहां पे अगला टॉपिक आ रहा है एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग कंपटीशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट, लिखिए यहां पे अगला हेडिंग आपका है एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग कंप्यूटेशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट। देखो आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, रेक्टिफिकेशन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रॉफिट निकालने के बाद अगर कुछ गलती पता चलती है, अगर प्रॉफिट हमने निकाल लिया बच्चे उसके बाद गलती पता चलती है, तो उस केस में जितने भी एक्सपेंस इनकम के नाम होते हैं उनके जगह पर लिखते हैं हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बात आपने रेक्टिफिकेशन में पढ़ा हुआ है, उन्हीं बातों को यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना बच्चे, ये पूरे चैप्टर में कहीं पे भी यूज हो सकता है, दिमाग बस ओपन रखना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आइए देखो जरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, 12th क्वेश्चन जरा आएंगे बुक के अंदर में, आप मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12th का, आप चेक कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12th क्या बता रहा है यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे, कहता है कि वीक एबल एंड लेजी आर इन पार्टनरशिप, कैसे कैसे नाम बता रहा है, छोड़ो ना नाम में क्या जाता है, मुद्दे पे आते हैं। कहता है कि इनके इनका जो रेशियो है 2:1:1 है बच्चे, इट इज अग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट मिलेगा जी 10% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज किया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और अलाउड ऑन करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट का लेन देन नहीं होगा। अब ध्यान दो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में वीक एबल लेजी का, देखो कैपिटल बच्चे यहाँ बता रहा है एक एक का, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल आपका हो गया, चलो अच्छी बात है कैपिटल आपका ओपनिंग दिया हुआ है, हमें ओपनिंग नहीं निकालना, और ऐसे भी जब करंट अकाउंट होता है तो जनरली क्लोजिंग ही आपका ओपनिंग होता है, ये बात पता आपको है। करंट अकाउंट भी बता रहा जी आपका 1/1/2002 का ओपनिंग बैलेंस आपका, ड्रॉइंग्स बता रहा आपका, ड्रॉइंग्स बता रहा जो आपने किया यहाँ पे,
ड्राफ्ट अकाउंट कहता है कि फॉर द ईयर 2002 करें वहां पे, कुछ बच्चे कुछ बुक में मिस्टेक बच्चे सुधार लेंगे आप वहां पे, ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 2002 है, वो 2002 है, मतलब 2002 में हमने प्रॉफिट निकाला 60,000 रुपये बिफोर टेकिंग इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द ड्रॉइंग्स, मतलब अभी ये प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ गलतियां हैं बच्चे, कहता है उन गलतियों को भी सुधारो, क्या गलती बता रहा जी, नंबर ए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू 750 रुपये पेड बाय द फर्म ऑन 30 जून 2002 एक काम कीजिए आप, यहां पे एक काम करेंगे बच्चे, एक छोटा सा मिस्टेक यहां पे, छोटा सा नहीं बड़ा मिस्टेक आपका है, आप जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ना, फिर से क्वेश्चन पढ़ना 12th क्वेश्चन में, यहां जो आपका कैपिटल जो कह रहा है बच्चे 1/1/2002 उसे कर दो 1/1/2001, बस यही चेंज कर लो, आगे चेंज नहीं करना, आगे वाली बुक्स में मैं इसको सही कर लूंगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अकाउंट 1/1/2001 है जी, और करंट अकाउंट भी 1/1/2001 है, बस बाकी सब ठीक है, अब 2001 की बात होगी, ड्राफ्ट अकाउंट 2001 का ही कहता है, 2001 ही रहने दीजिए, आपका प्रॉफिट जो है 60,000 का अमाउंट है, फिर कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू 750 रुपये पेड बाय द फर्म ऑन 30 जून 2001 हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, मीनिंग आगे बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़िए, रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, कहता है कि चार्ज 20% आपका, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहता है कि 3,000 ऑफ एबल फॉर ए प्लेजर ट्रिप टू यूके, यूके बदमाश घूमने गया था, 3,000 रुपये खर्च किया था, और कहता कि फर्म ने पे किया, हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये कैसी बात कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट आपका, सीए इंटर में क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का आया हुआ है, आओ एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं बच्चे, मैं शुरू करता हूं, देखो पहले तो मुझे ये प्रॉफिट जो है उसको सही करना पड़ेगा, सर कैसे सही करेंगे, आप एक काम कीजिए मेरे साथ बनाए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है जी, हम उसको अभी एडजस्ट यानी कि सही करेंगे बच्चे आपका, उस प्रॉफिट में कुछ गलतियां हैं उनको सही करेंगे, कैसे मैं आपको बता दूं, जरा बताओ छोटा सा ही बढ़ेगा बहुत ज़्यादा नहीं, जरा बताओ क्वेश्चन के मुताबिक जो नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेटेड है वो कितना बता रहा है, गिवन कितना है क्वेश्चन में, जो गिवन है वो कहता है कि 60,000 का अमाउंट आपका, 60,000 का अमाउंट है बच्चे आपका, है ना बच्चे, सर हाँ, अब देखो तीन गलतियां हैं, उन गलतियों को मैं सुधारूंगा, तो आप एक काम करो ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया, इसके बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप एक काम करो हाफ पेज इसके लिए छोड़ दो, आधा पेज से थोड़ा कम हो कोई बात नहीं, और आधा पेज या जितना बच गया उस सारा स्पेस छोड़िए प्रॉफिट लॉस आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, ये आप पहले दो अकाउंट बना लो, इसके बाद मेरे साथ वर्किंग नोट्स शुरू करेंगे आप यहां पे, वर्किंग नोट्स नंबर वन आपका, मैं आपको समझाता हूं, देखो जी ये करा रहा हूं, डब्ल्यू आर टी का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर ए, मैं पॉइंट ए को आपको समझा रहा हूं जी, पॉइंट ए को समझा रहा हूं, डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, देखो ना ये क्या बता रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक, वीक मेरे बच्चे पार्टनर है, पार्टनर का एक पर्सनल खर्च, पार्टनर का पॉलिसी मतलब एलआईसी जो था आपका पार्टनर का उसका पर्सनल खर्च है 750 रुपये फर्म ने पे किया, पहले मैं बताऊं अगर फर्म जो है पार्टनर का कोई घर का यानी कि पर्सनल खर्च करते हैं तो देखो करेक्ट एंट्री क्या होता है बच्चे, करेक्ट एंट्री क्या होता है, फर्म ने पे किया तो फर्म कह दिया टू कैश, फर्म का कैश चला गया, अगर फर्म ने कोई पेमेंट किया है तो कैश तो जाएगा जाएगा, देखो ये एलआईसी फर्म का नहीं है बच्चे, ये वीक का है, तो पता फर्म क्या बोलती है, मैं इसको वीक का ड्रॉइंग्स ट्रीट करेंगे, वीक ड्रॉइंग्स, ये वीक का ड्रॉइंग्स ट्रीट किया जाएगा, कितना अमाउंट है जी 750 रुपये, 750 रुपये,
मेरे बच्चे, अगर फर्म ने किसी पार्टनर का कोई पर्सनल खर्च पे किया तो फर्म कहते हैं कि मेरे पास से कैश चला गया और ये उस पार्टनर का ड्रॉइंग ट्रीट किया जाएगा, ड्रॉइंग फर्म से पैसा निकाल दिया। लेकिन ये क्या रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री जो आपने कर दिया, मतलब गलती से जो एंट्री पास हो गया, वीक ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के बजाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब छोटे मोटे जो खर्चे हैं जी, उन नाम को आपने क्या किया, डेबिट कर दिया 750 रुपये टू कैश अकाउंट। मतलब जहां पे ड्रॉइंग्स आपको मानना चाहिए था, वहां ड्रॉइंग्स मानने के बजाय आपने क्या किया जी, बिजनेस का खर्च मान लिया बच्चे आपका, बिजनेस का खर्च आपका। आप मुझे बताओ इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, कैसे रेक्टिफाई करो जी, रेक्टिफाई एंट्री क्या निकल के आएगा? तो सर एक काम करो, कैश तो ठीक है, आप एक काम करो वीक का ड्रॉइंग्स आप दिखा दो, वीक ड्रॉइंग्स को हम दिखा देंगे जी, डेबिट कर देंगे 750 रुपये, और मिसलेनियस एक्सपेंस जो डेबिट किया था उसको हटा दो, यानी कि टू मिसलेनियस एक्सपेंसिचर अकाउंट आपका। आपने रेक्टिफिकेशन चैप्टर मुझसे पढ़ा हुआ है, मैंने आपको सारी बातें समझाई हुई हैं, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। तो ध्यान दो ना, मैंने क्या बताया जी, अगर हमने उसको ड्रॉइंग्स की जगह पर एक्सपेंस दिखा दिया तो एक्सपेंस को हटा दो और ड्रॉइंग्स को आप दिखा दो, ठीक है ना बच्चे, ये रेक्टिफाइंग एंट्री होता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट निकाल चुके हैं, देखो जरा प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, प्रॉफिट निकालने के बाद अगर एंट्री रेक्टिफाई किया जाता है तो जितने भी नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के होते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंस या इनकम होते हैं, उन एक्सपेंस या इनकम के नाम के जगह पे हम क्या लिखते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हमने आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट निकालने के बाद अगर हम गलती को सुधारते हैं बच्चे, तो उस केस में जितने भी नाम एक्सपेंस इनकम के होते हैं उनका जगह पर क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बताइए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या बोलेंगे आप यहां पे, बाय वीक ड्रॉइंग्स अकाउंट, यानी कि हमने गलती सुधार दिया, वीक ड्रॉइंग्स अकाउंट जी अमाउंट कितना हो गया 750 रुपए। अब आओ इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको, सिंपल लैंग्वेज में आओ जरा इसको समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या निकल के आएगा आप ही मुझे बताओ ना, आप इतने प्यारे बच्चे। अगर मान लो कोई हमने गलती से एक्सपेंस दिखा दिया है तो एक्सपेंस दिखाने से हम प्रॉफिट क्या कर चुके हैं सर, कम कर चुके हैं। अगर हमने गलती से कुछ एक्सपेंस दिखा दिया जो एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट कम कर चुके हैं। सही कैसे करूं, प्रॉफिट को बढ़ा दो, प्रॉफिट में हमने बढ़ा दिया जी आपका, ऐड कर दिया प्रॉफिट में आपका, काम खत्म हो गया। एग्जाम में आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा बच्चे, ये एंट्री आपको नहीं करना है, एग्जाम में सीधे ये काम करना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको बताया चला जा रहा हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक एंट्री ना पूछे। एग्जाम में हो सकता था कि ज्यादा से ज्यादा ये एंट्री पूछ दे आपसे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आइए सेकंड वर्किंग आपका, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, आपका जो पॉइंट बी है हम उसके गलती को सुधार रहे हैं जी। जरा पढ़ो पॉइंट बी में क्या बता रहा है, ध्यान सुनना, रिपेयर ऑफ मशीनरी 10,000, मत पढ़ो आगे सुनो जरा, करेक्ट एंट्री। अगर मान लो मैंने रिपेयरिंग कराया तो एंट्री होना था रिपेयर अकाउंट डेबिटेड, जब तक क्वेश्चन मेजर रिपेयर ना बोल दे तब तक रिपेयर हमेशा एक्सपेंस मानते हैं, मेजर रिपेयर को हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ रिपेयर तो एक्सपेंस मानते हैं, रिपेयर टू कैश, हमने कैश पे किया होगा जी, कितने का रिपेयरिंग है बच्चे 10,000 का, ये एंट्री करना था। मतलब आपने जो 10,000 कैश पे किया उसको क्या मानना था, एक्सपेंस मानना था। लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया बच्चे, रॉन्ग एंट्री कहता है कि अरे ये क्या डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, ओहो कैसा इंसान है, जहां रिपेयर को आपने डेबिट करना था वहां पे आपने प्लांट को डेबिट कर दिया है, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट आपका, प्लांट टू कैश, और कितना जी 10,000, ये आपने एंट्री कर दिया, ये आपने एंट्री कर दिया है, ठीक है ना। जब हमने उसको प्लांट ट्रीट कर लिया तो एक और भी रॉन्ग एंट्री हो गया बच्चे, एक एंट्री तो हमने ये गलती कर दिया जी, एक और भी गलत एंट्री हो गया, क्या अगर हमने उसको प्लांट ट्रीट कर लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 20% आपका। जरा बताओ प्लांट ट्रीट करने से हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, एंट्री क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड एंड टू प्लांट अकाउंट, कितनी सारी गलतियां हो गई। जरा बताओ 10,000 पे
20% कितना हो जाएगा, 2000 रुपये, 2000 रुपये आपका। देख रहे हो आप, सिर्फ ये एंट्री होना था लेकिन गलती से दो एंट्री हो गया। एक तो आपने प्लांट ट्रीट कर लिया और प्लांट ट्रीट करने से आपने क्या किया, उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया, ये हो गया बच्चे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हमें रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई। पहले मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ। कैश तो ठीक है, आपने डेबिट क्या करना था, रिपेयर। तो एक काम करो, रिपेयर को डेबिट कर दो और आपने जो प्लांट को डेबिट किया उसको हटा दो जी, टू प्लांट अकाउंट। ये एंट्री कितने से हो गया आपका, 10,000 एंड 10,000। रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, 10,000 10,000 आपका। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? अरे आपने क्या किया, अगर हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया जबकि हमें डेबिट क्या करना था, सॉरी, हमने प्लांट डेबिट कर दिया जबकि रिपेयर करना था, तो हमने प्लांट को हटा के रिपेयर को डेबिट कर दिया। एक तो ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री नंबर ए, ये पहला एंट्री हो गया जी। अब एक और भी एंट्री पास करना पड़ेगा इसका। अब देखो, ये तो एंट्री हटाना पड़ेगा ना बच्चे, ये तो होना ही नहीं था। जब वो प्लांट ही नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों जी? तो आप इस एंट्री को हटा दो रिवर्स करके। मैं क्या करूंगा, प्लांट क्रेडिट किया था तो डेबिट कर दूंगा जी, ये तो एंट्री होना ही नहीं था ना, वो एसेट्स ना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जो आपने डेप्रिसिएशन डेबिट किया था, क्रेडिट कर दो आपको यहाँ पे 2000 रुपये का अमाउंट। ये दो एंट्री बनेगा रेक्टिफाइंग आपका, दो एंट्री। अब देखो, इन दोनों ही, क्योंकि प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, तो जो भी नाम एक्सपेंस इनकम का है, जैसे ये आपका हो गया एक्सपेंस इनकम रिपेयर और यहाँ क्या हो गया डेप्रिसिएशन, इन नाम को हटाओ और यहाँ क्या लिखेंगे जी हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां भी क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरे बच्चे, मैंने आपको सिखाया हुआ रेक्टिफिकेशन चैप्टर में कि प्रॉफिट निकालने के बाद जब हम गलती सुधारते हैं तो उस केस में जितने भी नाम एक्सपेंस इनकम के होते हैं उस जगह पर क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आज जरा क्या निकल के आया, यहां प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट टू प्लांट अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में क्या बोलेंगे आप, यहां पर टू प्लांट अकाउंट। कितना अमाउंट आपका हो गया, 10,000, ठीक है। और यहां क्या होगा जी, प्लांट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि यहां पे क्या हो गया, बाय प्लांट आप यहां लिखेंगे 2000 का अमाउंट। आओ मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज समझाऊं आपका, पहले कर लो यहां पे कॉपी, फिर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं। सिंपल लैंग्वेज से आपका हो गया सबका, सर हां जी, देखो सिंपल लैंग्वेज। अरे रिपेयर एक्सपेंस दिखाना था ना बच्चे, करेक्टली दिखाना था, नहीं दिखाया आपने। आप बताओ, रिपेयर में दिखाया होता तो प्रॉफिट बढ़ता कि कम होता? सर कम हो जाता, कर दिया कम हमने, देखो प्रॉफिट को कम कर दिया, डेबिट कर दिया आपने। यहां पे क्या किया, दूसरी बात कि आपने 2000 रुपये एक्सपेंस दिखा दिया, ये तो एक्सपेंस दिखाने नहीं था। जब वो प्लांट ही नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे जी। तो अगर आपने 2000 रुपये एक्सपेंस दिखा दिया है तो प्रॉफिट कम कर दिया है, मैं क्या करूंगा जी, प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, ऐड कर दिया मैंने यहां पे, कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस है। रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं समझाने के लिए, खामोखा ये टॉपिक करा रहा हूँ मैं, खामोखा टॉपिक करा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, ये टॉपिक जो करा रहा हूँ पार्टनरशिप भी नहीं, किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी यूज हो सकता है। ये बेसिक बातें हैं रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन जो आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चे आपका, ठीक है। आओ जरा, मैंने ये भी काम खत्म किया, अब आ जाओ पॉइंट नंबर सी को देखते हैं आपका, आपका वर्किंग नोट्स नंबर 3 WRT with respect to point number आपका C। तो वो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं 16 मार्क्स में क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जी। पढ़िए मेरे साथ, कहता है पॉइंट नंबर C में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैं लिखता हूँ जी पहले करेक्ट एंट्री क्या होना था। अब देखो आप इतने प्यारे बच्चे, मुझे बताओ ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000 का, एबल का प्लीजर ट्रिप टू यूके, यूके घूमने गया था अपने फैमिली के साथ, प्लीजर मतलब मस्ती करने के लिए, और 3000 रुपये खर्च हो गए। आप बताओ अगर यूके घूमने, पहले तो समझ में नहीं आ रहा ये बदमाश, 3000 में आपका यूके कैसे घूम लेगा, बट छोड़ो ना, क्या टेंशन लेना, मुद्दे पे आता हूँ। इसने 3000 रुपये कहता है कि खर्च हुआ था जी उसके यूके घूमने पे। ये तो ड्रॉइंग्स है ना बच्चे, किसका, एबल का। एंट्री क्या होना था जी, करेक्ट एंट्री, हम एबल्स ड्रॉइंग को डेबिट करते एंड टू कैश अकाउंट,
ये एंट्री करना था 3000 रुपये आपका, 3000 से ये एंट्री करना था, लेकिन आपने जो रॉन्ग एंट्री कर दिया, आपने जो रॉन्ग एंट्री कर दिया, कहता है कि आपने इसको डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ओहो कैसा इंसान है ये, कैसा इंसान है, जहां पे ड्रॉइंग स्ट्रीट करना था वो वहां पे इसने क्या डेबिट कर दिया जी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया बदमाश ने, 3000 का अमाउंट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री उसने कर दिया। आओ अब हम तो अच्छे इंसान है, हम इसको रेक्टिफाई कर लें जी। कैसे रेक्टिफाई करेंगे जरा बताओ? तो सर एबल ड्रॉइंग्स को आप लेकर आ जाए, एबल्स ड्रॉइंग, एबल्स ड्रॉइंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। एंड टू आप क्या बोलेंगे जी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, आपने यहां पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है, 3000 एंड 3000, बात खत्म हो गई। यही होगा ना बच्चे रेक्टिफाइंग एंट्री। सर हाँ अच्छा, ये देखो ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका प्रॉफिट लॉस का आइटम है, तो इस नाम के जगह पे क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री क्या बन गया जी यहां पे आपका, बाय आपने बोला एबल्स ड्रॉइंग, ये भी एबल्स का ड्रॉइंग आपका माना जी, और कितना हो गया, 3000 का अमाउंट आपका लिख दिया हमने, हो गया बच्चे। आप कॉपी कर लो, फिर मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मैं सिंपल का मतलब कि बिना एंट्री किए बगैर भी अगर हमारा रेक्टिफिकेशन चैप्टर पे कमांड है तो हम बड़े आराम से यहां पे एंट्री कर सकते हैं। देखो सिंपल तरीका क्या है, आप बताओ पॉइंट नंबर सी में 3000 रुपए बिजनेस का खर्च दिखा दिया, बताइए जरा बिजनेस का खर्च दिखाने से प्रॉफिट आपने क्या किया है, कम कर दिया। रेक्टिफाई कैसे करूंगा, बढ़ा दूंगा, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट 3000 ऐड कर दिया, बोला कि भैया ये तो ड्रॉइंग्स था, आप करो काम खत्म हो गया। अब निकालो आपका यहां पे एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि सही प्रॉफिट कितना निकल के आया जी, चेक कीजिए बैलेंसिंग फिगर, जो प्रॉफिट गलत है उसको सही किया हमने, कितना निकल के आ गया आपका। तो सर ये हो गया 60000 प्लस 750 प्लस 5000 माइनस यहां पे 10000, ये हो गया 55750 का अमाउंट आपका, ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आप यहां लेकर आइए, आपका जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 55750, ये प्रॉफिट निकल के आ गया आपका मेरे बच्चे, प्रॉफिट निकल के आ गया। अब बताओ क्या करूं, तो सर जो प्रॉफिट निकल के आ गया आपका 55750, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो जी एग्रीमेंट क्या है, कहता है भैया एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लिखिए यहाँ पे, अब तो सिंपल काम हो गया। आपने कहा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए जी यहाँ पे, तीन पार्टनर बच्चे, विक कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट है ना, इंटरेस्ट कहाँ ऐड किया जाएगा, करंट अकाउंट में, तो विक करंट अकाउंट निकालेंगे कैपिटल पे, बट ऐड कहाँ करेंगे, करंट में आपका। फिर एबल करंट अकाउंट में जाएगा, ये बात हम पहले डिस्कस किए हुए आपके साथ, ले जी निकालूंगा तो कैपिटल अकाउंट पे ही इंटरेस्ट, लेकिन ऐड कहाँ करूंगा उसे, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फिक्स्ड होता है। बताएं आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, सर 10% रेट है, तो इनका हो गया 7500, ये हो गया आपका 4000, ये हो गया आपका 3000, टोटल कितना हो गया 14500, 14500 रुपये, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 14500 रुपये का अमाउंट। बात समझ में आई बच्चों? सर हाँ जी। अब आओ जरा हमने क्या करना, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनके ड्रॉइंग्स पे चार्ज करने के बाद वो भी एडजस्ट हो जाएगा वीक करंट अकाउंट में, एबल करंट अकाउंट में, और आपका लेजी करंट अकाउंट में। कितना अमाउंट होगा जी, आप चेक करते हैं हम लोग यहां पे, मैं आपको यहां पे वर्किंग दिखाऊंगा, इसको मैं मिटाऊं, तीन वर्किंग हमारे हो चुके हैं, तीन वर्किंग के बाद आओ जरा हम यहां पे चौथे वर्किंग में एंट्री करते हैं जी।
देखो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, हैरानी होती है क्वेश्चन में क्या दम है, फिर भी बच्चे गलतियां करते हैं। बताओ जरा कैसे बदमाश बच्चे होते हैं जी, नलायक बच्चे हैं यहाँ पे। कंप्यूटेशन ऑफ आप निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को निकाल रहे हैं। आओ चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो पहले मैं वीक का निकाल दो, वीक का, वीक। ध्यान से बच्चे, ध्यान से, आप बड़े प्यारे बच्चे, आपको पता ही ये बात। देखो वीक की जो ड्रॉइंग्स है चेक करो, 15,000 रुपये बता रहा है पहले से। तो ये जो 15,000 रुपये है जो ड्रॉइंग्स आपको बता रहा है पहले से, इसका इस पर रेट कितना है जी? देखो रेट आपको सेकेंड लाइन में ऊपर से बता रहा है क्वेश्चन आपका 8% पर एनम, आपका 8% पर एनम। मेरे बच्चे यहां पे इस ड्रॉइंग्स का डेट नहीं बता रहा है। मैंने कहा है कि अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना बताए तो ऑन एवरेज 6 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो 15,000 का पहले से वो ड्रॉइंग्स बता रहा है, उस 15,000 रुपए पे आपका 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जब डेट ना बताए तो। एक तो ये हो गया, प्लस प्लस मेरे बच्चे पॉइंट नंबर ए पढ़ना जरा, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट ए में एक और भी ड्रॉइंग्स था 750 रुपए का, ये देखो जो आपने सही किया था 750 रुपए का। तो वीक का ड्रॉइंग्स अगर 750 रुपए और है उस पर भी तो 8% इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन कितने समय का? आप वहां चिंता नहीं करना, देखो वहां पे उस ड्रॉइंग्स का डेट बता रहा आपको 30 जून। तो जरा बताओ 30 जून से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए? 6 महीने। अच्छा तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आपका यहाँ पे चार्ज होगा। ध्यान रहे ये 6 महीना रूल है बच्चे कि डेट ना बता तो 6 महीने का, ये तो 6 महीना कोइंसिडेंस निकल के आ गया कि वही बन गया, जितने समय उसने पैसा रखा उतने समय का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बोले कितना हो गया? तो 15,750 रुपये टोटल हो गया, 8% और 6 महीने का आपका आ गया 630 का अमाउंट बच्चे, 630 रुपये। यानी कि 630 रुपये का इंटरेस्ट हमने क्या किया? वीक से चार्ज किया। अब लिखिए आपका वीक के बाद दूसरा कौन है बच्चे, दूसरा बंदा कौन है? एबल। आइए जरा चेक करते हैं एबल का ड्रॉइंग्स कितना है। देखो आपके पास टेबल में एबल का ड्रॉइंग्स आपको बता रहा है 10,000 का अमाउंट है। एबल का जो ड्रॉइंग्स कितना बता रहा है जी? 10,000 का। आप बताओ 10,000 पे रेट कितना चल रहा है? 8%। अच्छा बताओ कितने महीने का? सर डेट मंथ ना बताए तो 6 महीने का जी। ठीक है एक तो ये होगा, प्लस क्या एबल की कोई और भी ड्रॉइंग्स आई थी? सर हाँ, ये 3,000 रुपये आपका, ये 3,000 का जो ड्रॉइंग्स उसका और हुआ है जी, इस पर भी 8%। चेक करो क्या इसका डेट बता रहा आपको? सर हाँ, पॉइंट नंबर सी डेट कहता 30 जून, फिर से 30 जून कह दिया, मतलब 6 महीने का। जितने महीने अगर डेट बता देगा तो जितने महीने आपने पैसा रखा उतने समय का चार्ज करेंगे जी। बताओ कितना आ गया यहाँ पे? 13,000 रुपये, 8%, 6 महीने का 520 रुपये। तो आपने क्या किया? 520 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ निकाला। अब लेजी पे चेक कर लो आप जरा, लेजी पे। तो देखो लेजी का जो ड्रॉइंग से वो तो कहता है कि 10,000 का अमाउंट है पहले से, 8% उस पर भेजिए 6 महीने का, और इसके बाद अलग से कोई भी उसकी ड्रॉइंग्स नहीं बता रहा है। तो 10,000 पे आपने 8% निकाला और 6 महीने का मेरे बच्चे 400 रुपये ये निकल के आपका आ गया, 400 रुपये आपका। तो लेजी पे आपका 400 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। कितना हो गया टोटल आपका? देखो जरा 400 प्लस 520 प्लस 630, ये आ गया 1,550 रुपये। ठीक है ना? तो मुझे बताइए जरा अब यहाँ पे क्या निकल के आया बच्चे? तो प्लस आपका 55,750 माइनस 14,500, ये आ गया 42,800 रुपीज़ का अमाउंट। ये हो गया बच्चे टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आप यहाँ पे वीक करंट अकाउंट, एबल करंट अकाउंट एंड लेजी करंट अकाउंट। बोले कितना आ जाएगा? रेशियो क्या बता रहा है इनका? सर 211, यानी कि 4 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया इंटू टू
21,400 रुपये, 10,700 रुपये एंड 10,700 रुपये। ये काम पूरा आपका हो गया। ये हो गया बच्चे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन ने कहा था कि बनाओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना दिया हमने, वो तो हमने बना दिया जी। इसके बाद क्वेश्चन ने और क्या बोला है, जरा पढ़ो क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा आपसे बनाने के लिए। सर वो क्वेश्चन ने कहा है, लास्ट लाइन पढ़ना, कि प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर आपका। ओहो, हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। चलो जाते जाते हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखा देते हैं और करंट अकाउंट भी दिखा देते हैं, क्या जाता है। ऐसे एग्जाम में जो बोलेगा वही आपको बनाना है जी, सिर्फ करंट अकाउंट। लेकिन कोई बात नहीं, आप नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसलिए इस बात को समझते हुए मैं दोनों दिखा देता हूँ, रिविजन आपका हो जाएगा। बस तीन पार्टनर है जी, एक है वीक, एबल एंड लेजी। यहां लिखा आपने वीक, एबल एंड लेजी। बताइए इनके कैपिटल का बाई बैलेंस पीडी कितना है, बताओ जरा कैपिटल कितना बता रहा है। सर वीक का 75 है, वीक का 75,000। एबल का कहता है यहां पे 40,000 है और लेजी का कहता है कि आपका यहां पे 30,000 है, 30,000 का अमाउंट, ठीक है ना। आपको पता है ना कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, यही कैपिटल इनका टू बैलेंस सीडी भी हो जाएगा, 75,000, 40,000 और यहां पे 30,000। ये काम पूरा आपका हो गया। अब एक काम करो, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट की बातें करेंगे। एक बार चेक करो कितने पार्टनर्स हैं। सर तीन, तीन कॉलम बनाइए, एक हो गया आपका वीक, दूसरा एबल, तीसरा लेजी। यहां पे वीक, एबल एंड लेजी। बताइए करंट अकाउंट का क्या क्वेश्चन में कोई बैलेंस दिया हुआ है पहले से। हाँ जी सर दिया हुआ है, ध्यान दो क्वेश्चन में। करंट अकाउंट कहता है कि वीक का 10,000 है क्रेडिट बैलेंस, एबल का भी क्रेडिट बैलेंस है जी, ना बजाए तो हमेशा क्रेडिट मानते हैं, लेकिन मेरे बच्चे लेजी का डेबिट बैलेंस कह रहा है, वो यहां चला गया टू बैलेंस बीडी। बताएं लेजी का कितना बता रहा आपको यहां पे, 5,000 रुपए लिख दिया हमने यहां पे। तीनों ही पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल है दैट हैज बीन रिकॉर्डेड। अब आओ करंट अकाउंट में और क्या हुआ, एक तो इनकी ड्रॉइंग्स जो यहां से माइनस हो जाती है। जरा बताओ ड्रॉइंग्स वीक का कितना है। सर 15,000 पहले से था और पॉइंट ए में 750 यानी कि 15,750 रुपये, 15,750 रुपये की ड्रॉइंग्स यहाँ पे इनका। एबल का कितना जी। सर 10 पहले से था, पॉइंट नंबर सी में 3 और आ गया तो 13,000 रुपये का अमाउंट आपका निकल के आया। और लेजी का कितना हो गया, लेजी का तो लेजी का ड्रॉइंग्स आपका 10,000 था, कोई चेंज हुआ नहीं तो 10,000 ही इनका ड्रॉइंग्स रहा आपका, ठीक है। अब एक काम करो, इन बातों को भी आप यहाँ पे करंट अकाउंट में लेकर आइए। एक तो इंटरेस्ट देना जी, तो आपने कहा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके अंदर में कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा बताओ कितना, तो 7,500, 4,000 जी इनका है और इनका कितना बता रहा है, 3,000 का अमाउंट आपका, ये हो गया। फिर आपका शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट जरा चेक करो कितना हो गया, तो आपका 21,400 रुपये, आपका 10,700 रुपये और आपका 10,700 रुपये,
ठीक है ना। यहाँ पे आपने बाय जो किया था यहाँ चला गया जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके अंदर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चेक कीजिए 630 रुपए, 520 रुपए और 400 रुपए का अमाउंट आपका। अब जरा बता दो इनका करंट अकाउंट का टू बैलेंस सीडी एंड में कितना हो गया बैलेंसिंग फिगर, चेक कीजिए टू बैलेंस सीडी। तो वीक का जी 10,000 पहले से था, 7500 प्लस 21,400 ये हो गया बच्चे यहां पे आपका 38,900। इस साइड में आपने क्या किया, 38,900 में से माइनस किया आपने 15,750 एंड 630 रुपये, ये आ गया 22,520 रुपये। एबल का चेक करो आप, 5,000 पहले से था, 4,000 और 10,700 ये हो गया 19,700 और 19,700 में से इनको माइनस कीजिए 13,000 रुपये का ड्रॉइंग्स, 520 रुपये का इंटरेस्ट, ये 6180 का अमाउंट। लेजी का बताओ जी आपका कितना निकल के आया, 10,700 प्लस 3,000 माइनस आपका, अच्छा ये तो इनका ये फट बड़ा है, ये कितना हो गया 15,400 रुपये। तो आप 15,400 यहाँ लिखिए और इनका बाय बैलेंस सीडी यहाँ चला गया, कहीं भी जा सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस, हमने ये भी पहले डिस्कशन किया हुआ है मेथड के अंदर में, माइनस 15,400 ये हो गया बच्चे 1700 रुपये का अमाउंट आपका। क्वेश्चन खत्म, मिल गए आपको 16 मार्क्स ये इंटर में आए हुए क्वेश्चन के। आप बताओ कहाँ कुछ क्वेश्चन में दम है, कहाँ कुछ दम है, बोलो कहाँ कुछ दम है, बोलो कहाँ कुछ दम है। चलो जी ये बात भी हमने खत्म किया बच्चे, आज हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे बच्चों, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, आप इसको देख लें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट करने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, अगली क्लास में मिलते बच्चे, थैंक यू।